नमस्कार, खरा सौदा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ मेरे सहयोगी अजय शर्मा और प्रियंका उपल। आज निफ्टी के 5 नतीजों पर नजर होगी। नतीजों से पहले आपको ट्रेड कैसे करना है ये सब कुछ समझेंगे, लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं बाजार के 4 बड़ी बातों के साथ। तो डॉ में 11वें दिन हमने तेजी देखी कल के 17वें, और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 19,700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। करीब करीब 40 अंकों के आसपास की बढ़त हमें गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिल रही है। लेकिन क्रूड को लेकर धीरे धीरे चिंताएं थोड़ी सी बढ़ रही हैं। 3 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया है, और अगर आप सिर्फ जुलाई की बात करें तो ऑलमोस्ट 10% की तेजी आ चुकी है कच्चे तेल के भाव में। फोकस में रहेंगे आज ओएमसी शेयर, और ओएमसी के साथ साथ रिफाइनिंग वाले जो शेयर हैं वहां पर भी फोकस रहेगा। टाटा स्टील के जो नतीजे रहे हैं वो मिले जुले रहे हैं। स्पंदन के बहुत ही स्ट्रांग नंबर्स रहे हैं, क्योंकि कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, तो स्पंदन के नतीजे पर नजर रहेगी। लेकिन आज नतीजों के लिहाज से काफी हेवी डे है। निफ्टी के 5 नतीजे आएंगे और एलएनटी के बायबैक पर नजर होगी। खबर पहले आ गई थी कि एलएनटी 25 जुलाई को नतीजों के साथ साथ बायबैक पर विचार करेगी, तो देखना होगा कि बायबैक का साइज क्या होता है, क्योंकि 2019 में जब बायबैक लाने की कोशिश हुई थी तो 9,000 करोड़ रुपए के आसपास का बायबैक कंपनी लाने वाली थी। हालांकि सेबी से बायबैक को मंजूरी नहीं मिली थी। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। तो ये तो रहे 4 बड़े ट्रिगर्स, लेकिन एक और अच्छी खबर आपको बता दें, क्योंकि G20 की तैयारी पूरे जोर शोर पर है, और दिल्ली के जो प्रगति मैदान है उसमें ITPO का जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ G20 बैठक के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 26 जुलाई यानी करगिल दिवस के दिन इसका उद्घाटन करने वाले हैं। 123 एकड़ में फैला ये प्रगति मैदान का ये बहुत कॉम्प्लेक्स बेहद सुंदर, बेहद भव्य है, और इस कॉम्प्लेक्स में ना केवल G20 बैठक होनी है बल्कि कई सारे सम्मेलन होने हैं, कई सारी बड़ी एग्जीबिशंस होती हैं, वर्ल्ड क्लास एग्जीबिशंस इनफैक्ट इस प्रगति मैदान में होती है, और ये पूरी तरह से अब नई सुविधाओं के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ तैयार हो चुका है। बेहद सुंदर, इनफैक्ट बदल गया है ये तो। अभिषेक, आपको प्रगति मैदान की कुछ और छवियां आपके मन में होंगी। हाँ, बिल्कुल। आप तो खैर दिल्ली में पढ़े भी हैं, आप तो दिल्ली में तो पली बड़ी भी हुई हैं। मैं कह रही हूँ बिल्कुल चेंज लग रहा है। अभी तक प्रगति मैदान सुन के लंबी लंबी कतारें, ढेर सारे झूले और यही सब चीजें ध्यान आती थी। हम लोग जाते थे, अजय आप भी गए होंगे ट्रेड फेयर के लिए। कई बार गया हूँ ट्रेड फेयर भी, और प्रगति मैदान ये पूरा रिवैम्प, ये नए भारत में। अच्छा, प्रगति मैदान के बगल से मैं गुजरा हूँ अभी, तो खैर ये नई झलक हमारे सामने आ रही है, लेकिन उसके नीचे अजय एक अंडरपास बना है। इतना खूबसूरत अंडरपास मैंने तो नहीं देखा है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तो भारत में एक एक करके पूरे शहरों में आ रहा है। अभी मैं कल लखनऊ में था, किसी काम से, अपने घर के काम से लखनऊ गया था। लखनऊ के एयरपोर्ट को आप पहचान नहीं पाएंगे। मैं लखनऊ से चलिए एयरपोर्ट से विकास हो रहा है, सब कैपिटल राजधानी है तो बड़ी बात है। मैं लखनऊ से थोड़ी दूर संडीला करके एक जगह है, संडीला में गया, वहां मुझे मालूम चला कि वहां 5 बड़ी दिग्गज कंपनियां अपनी अपनी फैक्ट्रियां लगा रही हैं। पेप्सी वहां अपना प्लांट डाल रहा है, बर्जर पेंट अपना वहां प्लांट डालना चाहता है, ज्ञान दूध वाले नया खोए की फैक्ट्री लगा रहे हैं, छोटे छोटे कस्बों में। तो ये तो खैर राजधानी है देश की, तो ये अच्छी बात है ना, क्योंकि देखिए कई बार कहना कि सेंट्रलाइज्ड हो गया था दिल्ली मुंबई, इन शहरों पर लोड भी बढ़ रहा था, प्रेशर बहुत आता है बड़े शहरों पे। हटे, दूर हटे, थोड़ा सा गांव कस्बों में जाएं। नहीं, विकास हो रहा है, और आपको इसकी झलक तभी मिलेगी जब आप ट्रैवल करेंगे ना छोटे छोटे शहरों में और पूरे देश भर में। और ये तो खैर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देश में दिख रहा है, शानदार। चलिए, तो इस शानदार तस्वीरों के साथ शो की शुरुआत हो गई, लेकिन क्यों उसके उतने ही शानदार है यूएस मार्केट से पहले ग्लोबल मार्केट्स के ट्रिगर्स को समझते हैं। तो डाउ तो लगातार आपको 11 दिन से तेजी दिखा रहा है, थोड़ा सा नैस्डैक जरूर भले ही नरमी दिखा रहा हो, लेकिन डाउ 11 दिन हो गए हैं और एक लॉन्गेस्ट स्ट्रीक भी है। आप परेशान इस बात से खुश हैं? ये बताइए पहले, आपकी टोन से मैं समझ नहीं पाया कि आप परेशान इस बात से खुश हैं 11 दिन हो गए, मतलब हतप्रभ हैं ये कि मैं क्या खतरे की घंटी लग रही है ऐसा। 26 जुलाई आ गई है, मेरा सवाल ये था, देखिए ऐसा कि जो बड़ा ट्रिगर बाजार क्या ले सकता है, और हालांकि बहुत हद तक फैक्टर इन होगा, बाजार को ऑलरेडी मालूम है। अगर आपको ये देखना है कि अभी फेड क्या करेगा, तो आप बॉन्ड यील्ड्स को देखिए, बॉन्ड यील्ड्स एकदम काम डाउन है। यूएस की जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वहां पे कोई खतरे की घंटी नहीं बज रही है। 98% मान के बैठे कि एक हाइक आएगा, मतलब 100%। सवाल ये वाले हाइक का नहीं, सवाल ये है इस हाइक के बाद स्टांस क्या देते हैं। और यूएस में एक बहुत जबरदस्त तरीके से स्ट्रेटेजिस्ट के बीच में और फेड के ऑफिशियल के बीच में खींचातानी हो रही है कि अभी और हाइक की जरूरत है या नहीं। बट बाजार चिंतित नहीं है, बाजार की पोजीशनिंग अगर आप देखें तो कहीं से भी चिंताजनक नहीं नजर आ रही है फेड के मामले को लेके। और मैं बार बार बता रहा था ये बात कि अब जो है ग्रोथ के ऑप्शंस पे देखना चाहिए, और
ये जो क्रूड ऑयल का तेजी होना है ना, ये भी एक्चुअली एक ग्रोथ का साइन है। करेक्ट, बिल्कुल है। ये सप्लाई कम होगी इसकी वजह से नहीं चल रहा है। चाइना में स्टिमुलस ग्रोथ बेटर, यूएस में उतनी हार्ड लैंडिंग ना हो जैसी उम्मीद थी 6 महीने पहले, उसके वजह से क्रूड में रिबाउंड आया। और इसीलिए यूएस मार्केट से बहुत अच्छे क्यूज है हमारे लिए। दो बातें ध्यान देने लायक है भारत के हिसाब से। एक तो डॉलर इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स 101 के करीब आ गया। करेक्ट। ये थोड़ा एक चिंता का विषय हो सकता है इमर्जिंग मार्केट्स के लिए। और क्रूड का शार्प रैली होना जो 83 डॉलर के पास आ गया वो भी एक चिंता का विषय बन सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप ठीक से थोड़ा और रिसर्च करें और पढ़ें तो ये जो क्रूड की जो रैली है ये टेम्पररी रैली है, ये परमानेंट नहीं नजर आ रही है। ओके। ये एक स्टिमुलस खबर की वजह से चल गया, देखना ये कि यहाँ पे टिकता है या ये वापस जाता है। लेकिन ये दो ग्लोबल क्यू, आज शाम को फेड की डिसीजन पे इतनी नजर नहीं होगी, उनकी कमेंट्री पर नजर होगी आगे क्या, ये क्या लास्ट हाइक है। और अगर ये लास्ट हाइक ही हो गई, बाजार को ये लग गया कि ये लास्ट हाइक है, उसके बाद लंबा पॉज, उसके बाद कट्स जो एक नैरेटिव बन रहा है, तो यूएस मार्केट में कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव नहीं आ सकता। इसीलिए आपको देखिए गिरता घटता कम है, चलता ज्यादा है, साइडवेज चला जाता है। आपको लास्ट कब आपने 3% का फॉल देखा था? 6 महीने हुए, बहुत समय हो गया। यूएस मार्केट में 2-3% प्लस के फॉल, ये बड़े बड़े जो फॉल, उसको 6 महीने से नहीं आया। तो ये एक अच्छा साइन है और हमारे लिए कुल मिला के सपोर्ट की बात है। तो जहां से प्रियंका ने शुरू किया था कि 11 दिन की जो तेजी हो गई है ये अच्छा साइन है, टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है, वाली बात नहीं है। लेकिन घरेलू बाजार की बात करा जाए तो 20,000 जाकर हम ठिठके। जी हाँ। थोड़ा सा स्पॉइल स्पोर्ट किया आईटी ने, इंफोसिस ने, स्पेशली रिलायंस ने थोड़ा सा माहौल बिगाड़ा और अब ऊपर से 300 अंक नीचे आ गए हैं। टॉप तो इसको कंफर्ट की तरह देखें जिसको रीएंट्री करना हो, क्योंकि हम कह रहे थे कि तेजी का मोमेंटम कायम है बाजार में। कैसे स्ट्रेटजी बनाएं आज के सत्र में बताइए। देखिए मैं डेटा देख रहा था कि पिछले हफ्ते के 19,970 के आसपास, 80 के आसपास से हम लोग रिवर्स किए, तो ये अपना निफ्टी तो 300 पॉइंट करीब टॉप से नीचे आया, 19,670 के आसपास हम साइन ले रहे हैं। कल भी दूसरा दिन था, कहीं ना कहीं ये बात हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए कि ये नरमी का साइन है, नरमी का संकेत है। दो दिन से बैक टू बैक हम डेज लो पे बंद होते हैं। अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी जो पहले ही अंडर परफॉर्म कर रहा था निफ्टी को, अब वो थोड़ी भूमिका निभा रहा है सहारा का। कल आप देखिए निफ्टी 70 पॉइंट नीचे था लेकिन बैंक निफ्टी सिर्फ 150 पॉइंट, इनका प्रोपोर्शन चलता है। अगर निफ्टी 70-80 पॉइंट घटता तो ये 300-400 पॉइंट घट जाता, 3-4 गुने का होता, लेकिन हुआ नहीं कल। दूसरी बात यह है कि बैंक निफ्टी अब सहारा दे रहा है, इंडसइंड बैंक, आज ICICI बैंक पर नजर रहेगी, SBI के रिजल्ट्स भी वो सहारा दे रहे हैं बैंक निफ्टी, अच्छी बात है। लेकिन हमें ये मान लेना चाहिए कि डॉलर इंडेक्स का 101 पे आना, कल FII बाइंग की कोई बड़ी फिगर नहीं दिखना, आपका क्रूड को 83 का आना, बाजार जो है थोड़ा बहुत चिंतित है इस समय, थोड़ा सा दबाव बना रह सकता है। प्लस जबरदस्त सेल ऑन न्यूज ITC में कल हुई, हम 2 साल से होटल का डिमर्जर की बात कर रहे थे। जबरदस्त सेल ऑन न्यूज, लोगों ने डिमर्जर वाला जो भाव है ना कल ही निकाल दिया उसमें। सीधा एडजस्टमेंट बाजार ऐसे ही करता है। फिर रिलायंस में दबाव बना, तो रिलायंस और ITC में अगर दबाव बनेगा तो निफ्टी कैसे चलेगा। कितना भी आप कह लें, ऑटो में कल चौतरफा खरीदारी थी रिजल्ट के पहले, ये एक अच्छी बात है। टाटा मोटर्स बजाज में रिजल्ट पहले अच्छी खरीदारी दिखाई दी। अपनी एक बात ध्यान दी अभिषेक प्रियंका, आईटी में फॉलो अप सेलिंग नहीं आ रही बहुत ज्यादा। करेक्ट। पहले दिन घटा तो कल तो कमजोर था बाजार, फॉलो अप सेल ही नहीं है, कल तो शॉर्ट होना चाहिए था वो, मतलब स्टेबल कर गई, ये एक पॉइंट। अगर इतना कमजोर है आईटी तो कमजोर वाले बाजार में तो दबा के सेलिंग होनी चाहिए। यस आईटी इंडेक्स नीचे बंद हुआ लेकिन इंफोसिस, परसिस्टेंट, TCS जैसे शेयरों में ऊपर बंद हुए, तो ये एक अच्छा साइन है। मिड कैप स्मॉल कैप भी अच्छा चल रहे हैं, एडवांस डिक्लाइन फायदेमंद है। और आपकी वॉलिटिलिटी इंडेक्स अभी 12 के नीचे है, उसे भी नजर बनाइए। अगर विक्स को क्रूड और आपके डॉलर इंडेक्स से दबाव बना तो विक्स सबसे पहले बताइए। देखिए हरे निशान में बंद हुई है, ज्वारा के नीचे ही है, डेज लो में बंद हुई है। अगर इतनी बड़ी चिंता होती तो मैं ये कह रहा हूँ कि FII के जो कल एब्सेंस आई ना सेल फिगर की, मतलब बाई फिगर की, वो जो है बाइंग ऑन डिप्स वाले फैब्रिक को जो बाजार का पैटर्न है टेस्ट करेगी। एक दो दिन का आप दिन ऑफ लीजिए, बहुत बड़े बड़े सौदे अभी मत लगाइए, थोड़ा दबाव बना हुआ है। तो थोड़ा सा प्रेशर में अजय, हल्का सा गिफ्ट निफ्टी भी थोड़े प्रेशर के संकेत दे रहा है। 600 के आसपास आए तो बिल्कुल सपोर्ट एरिया है वो, इनफैक्ट आज ही शायद बिना तनाव के फिर खरीदारी शुरू कर अटेम्प्ट करना चाहिए। अच्छा दूसरा, ये लास्ट लेग है अर्निंग सीजन का। हिस्टोरिकली हमने देखा है लास्ट लेग ऑफ अर्निंग सीजन के बाद बाजार थोड़ा साइडवेज हो जाता है। टाटा मोटर का नंबर जो है ना वो आपके लिए संकेत होना चाहिए। स्टार्ट होता है बैंक से, फिर उसके नतीजों में बिग बैंग सरप्राइजेस नहीं है। अगर आप देखिए मीट एस्टिमेट या माइनर नीचे, बिग बैंग सरप्राइजेस, तो बाजार को यहां से ले जाने के लिए FII का फ्लो चाहिए जो अभी कल तो एब्सेंट था।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम FNOQs पे भी डाल लेते हैं नजर। डिम्पी है हमारे साथ। डिम्पी बताइए क्या हुआ कल, डेटा क्या बता रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी का, निफ्टी से शुरुआत करते हैं। देखिए आप पिछले दो तीन दिन से बाजार के अंदर एक्चुअली में देखा जाए तो कुछ भी नहीं हो रहा है इंडाइसिस के हिसाब से। आप थोड़ा ऊपर जाते हैं, ऊपर से वापस थोड़ा नीचे आ जाते हैं, सिर्फ रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। इन्फोसिस रिलायंस ने थोड़ा नीचे किया तो IT ने फिर से संभाल लिया, बैंक सामने आ गए और ये आगे भी चलेगा। 27 तारीख की आपकी डेरिवेटिव एक्सपायरी है। मैं जितना डाटा को समझ पा रहा हूँ देख पा रहा हूँ, मेरे को नहीं लगता कि 27 तारीख से ठीक पहले, उसमें फेड का इवेंट भी आप कैलकुलेट कीजिएगा 26 तारीख का, तो बाजार के अंदर कोई बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ी मंदी के कुछ सिग्नल दिख रहे हैं ऐसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा। अगर आप वैसे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देखें जो भी आपके सामने आंकड़े चल रहे हैं निफ्टी के, आप 13% का ओपन इंटरेस्ट घटा है। वैसे देखा जाए तो अनवाइंडिंग का प्रेशर है, लेकिन ये अनवाइंडिंग आपके सपोर्ट को कहाँ ब्रेक कर पा रही है? ये अनवाइंडिंग तो पिछले दो दिन से है, अगर दो दिन के अनवाइंडिंग भी आपके सपोर्ट्स को ब्रेक नहीं कर पा रही है तो ये अच्छा साइन है। दूसरी बात, आपको ग्लोबल मार्केट से अभी भी प्रेशर नहीं आ रहा, भले आप डीकपल्ड किसी भी फॉर्म में हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन वहां से भी प्रेशर एज सच नहीं है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है इंडाइसिस के लिए जो लोग ट्रेड करते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि स्टिल अभी भी प्रीमियम अवेलेबल है मार्केट्स के अंदर, इसका मतलब बाजार को कोई लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं, उनको लग रहा है जो डिप है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है, जब तक कंफर्मेशन ना हो जाए हम सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर रहे हैं। ये सपोर्ट क्या है निफ्टी की, ये 19,600, 700, 500, एक्चुअली तीन हिस्सों में सपोर्ट है। अगर आप बहुत छोटा रखना चाहते हैं तो 700 रखिए, अगर आपको थोड़ा डीप रखना है अपने स्टॉप लॉस तो 500 रखिए, ये 300 पॉइंट का एक सपोर्ट एरिया है और फिलहाल मार्केट उसी के बीच में अभी कामकाज कर रहा है। तो निफ्टी के लिए एज सच आज कोई ट्रेड नहीं है। और एक और चीज, अगर आपको लग रहा है ना कि आपको एक्साइटमेंट चाहिए और डल सेशन नहीं चाहिए, तो फिर इंडेक्स ट्रेड मत करो, फिर इंडेक्स के अलावा छूट के आप शेयर्स में ट्रेड करो। अभी आपने बड़ी सी स्क्रीन दिखा जिसमें पांच बड़े नंबर्स आ रहे हैं, वहां पे ज्यादा ध्यान दिया जाए बजाय इंडाइसिस के। निफ्टी को लेकर ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस आपकी स्क्रीन पर, लेकिन डिम्पी आपने कहीं बात हो रही है कि निफ्टी के शायद चाल थोड़ी सी अलग हो गई है, बैंक निफ्टी की अलग हो गई है, क्योंकि नतीजे अगर हम बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो ठीक ठाक आ रहे हैं और आज भी हमारा फोकस बना रहेगा। आप ये बताइए कि निफ्टी बैंक के स्ट्रक्चर में क्या कुछ बदलाव हुआ है, उसमें कहां पर ज्यादा कामकाज हो रहा है और कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए आज के सत्र में? मैं बोलूंगा कि बैंक निफ्टी थोड़ा स्वस्थ हुआ है निफ्टी के मुकाबले, वो थोड़ा ज्यादा बेहतर हुआ है। वजह उसकी एक है कि आप निफ्टी पे तो सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए पहुंचते हो, बट बैंक निफ्टी में अभी तक नहीं पहुंचे। आपने कल 40,000 था और कल की क्लोजिंग भी देखेंगे ना स्पॉट के अंदर तो 45,900 कुछ की है। इसका मतलब यह है कि बाजार के पास अभी भी अच्छे सपोर्ट एरिया और बैंक निफ्टी खड़ा है उसके साथ सपोर्ट देने के लिए। बैंक निफ्टी ने कहीं नहीं कहा कि मैं पीछे हट रहा हूं और आप किसी और को लेके आइए सामने। इसलिए बैंकिंग काउंटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एक्चुअली में डैमेज कंट्रोल या फिर न्यूट्रलाइजर वाला काम कर रहे हैं जो इंफोसिस और रिलायंस ने किया था, उसको बैंक निफ्टी ने काफी अब तक एब्जॉर्ब करवाने की हेल्प की है। हालांकि अनवाइंडिंग का प्रेशर यहां पर भी है, बट आप अनवाइंडिंग देखिए ना हो कितने पॉइंट की रही है, 45-46,000 का इंडेक्स है, पॉइंट्स में टूटता है बाजार सिर्फ 150 पॉइंट, तो इसको ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए जब तक सपोर्ट ब्रेक नहीं करते। देखिए पॉइंट्स ऊपर नीचे होंगे, आपको ध्यान किस चीज पे रखना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। मैं बैंक निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी आपकी स्क्रीन पे लेके आऊंगा। अगर आप यहां पे चेक करेंगे तो 45,800, 45,500 ये दो अहम सपोर्ट एरिया है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा ना तो आप सोचिए भी मत मेरे को शॉर्ट करना है। हाँ, आप थोड़ा बहुत ये सोच सकते हैं कि मेरे को एवरेज करना है कि नहीं करना, मेरे को रिस्क लेना है कि नहीं लेना, लेकिन शॉर्ट करने का आपको परमिट या लाइसेंस ही नहीं मिलेगा जब तक 45,500 आप बैंक निफ्टी पर ब्रेक नहीं करते और कम से कम 19,500 आप निफ्टी पर ब्रेक नहीं करते। ऑल राइट, ठीक है, तो ये तो हो गई इंडेक्स पर बात और बिल्कुल ठीक बात है कि बैंक निफ्टी तो अच्छी रेजिलियंस दिखा रहा था निफ्टी के कंपैरिजन में। अब दो स्टॉक्स कौन से हैं डिम्पी जो आज हमें ध्यान रखने हैं? दो स्टॉक्स के हिसाब से हमने एक लॉन्ग और एक शॉर्ट निकाला, क्योंकि हमको लग रहा है कि इंडाइसिस एक रेंज में रहेंगे, ना सपोर्ट ब्रेक करेंगे ना ही रेजिस्टेंस, इसलिए चर्निंग थोड़ी होती रहेगी। इस चर्निंग का पहला बड़ा हिस्सा बन सकता है कफूर्ज, इसको आप बाय करके चले, बेसिक सी तरीका है इसको ढूंढने का। पहला, इसका एक तो अच्छा सपोर्ट वगैरह बना हुआ है, दोनों एवरेजेस का ब्रेकआउट है। IT ने जैसे अभी अजय बता रहे थे कि ज़्यादा टूटे नहीं, फॉलो ऑन इसके अंदर हमको बार बार मिल रहा है फॉलो अप बाइंग, तो वो शायद आपको मिड कैप कैटेगरी में मिलेगी। जिन्होंने अपने डैमेज ही नहीं किया, जिन्होंने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक ही नहीं किया, वो तो इन्फोसिस से डर कर थोड़ा घबरा से गए थे बस, और कुछ नहीं हुआ था। इसलिए कफोर्ज के अंदर लग रहा है कि एक आपको वापस से मोमेंटम मिल जाएगा। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो इस समय हम चल रहे हैं,
इसके अंदर तो शॉर्ट कवरिंग हो रही है और अगस्त कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाइंग हो रही है, यानी कि रोल ओवर पॉजिटिव साइड पे हो रहा है। और एक और चीज, आप अगर इसको ले रहे हैं ना शेयर को, बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा वॉल्यूम को थोड़ा कम रखा कीजिए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। वॉल्यूम को कम रखें, थोड़ा कोशिश करें डिप, क्योंकि बड़ा शेयर है 4000 की कैटेगरी वाला, इसलिए जब जब डिप मिले ना तब आप इस पोजिशन को रख सकते हैं। तो कफोर्ज एक स्ट्रांग कैंडिडेट हो सकता है अगर आप आईटी या मिड कैप आईटी में ध्यान रखना चाहते हैं। अब आते हैं वीक काउंटर्स की बात पे। एसआरएफ शॉर्ट किया जा सकता है, अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के इसके बारे में पता कीजिए कि ईटीएफ स्वदेश पे बोला गया कि एसआरएफ वीक काउंटर है, आप जरा चेक करके बताइए, तो आपके वित्तीय सलाहकार भी शायद वही बात बोलेंगे जो मैं अभी आपके सामने रख रहा हूं। एक तो डेज लो पे जाके बंद हो रहा है 3%, मान लीजिए ऊपर आ भी जाता है तो अपने ना रेजिस्टेंस एरिया को पार नहीं कर पाएगा। आप देख पा रहे हैं ये जस्ट चार्ट उल्टा है कफोर्ज का, कफोर्ज में जहां पे लाइंस नीचे थी वहां पे लाइंस ऊपर है और प्राइस है नीचे, इसको हम ब्रेकडाउन कहते हैं और टिपिकली अपने क्रिटिकल सपोर्ट एरिया के आसपास है। अगर ये आज नहीं चला तो 100% आज की क्लोजिंग भी ये डेज लो के आसपास कर सकता है। इसका रोल ओवर भी कोई बहुत अच्छा नहीं है और टिपिकली इसने प्राइस और वॉल्यूम दोनों का ब्रेकडाउन किया हुआ है, इसलिए इस शेयर पे थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। और एक और बात, इसके पीयर्स भी ज्यादा नहीं चल रहे हैं इस समय और रोल ओवर भी हम चेक करते हैं तो हमको केमिकल्स में कोई बहुत स्ट्रांग रोल ओवर नहीं देखने को मिल रहा, इसलिए एसआरएफ एक शॉर्ट कैंडिडेट हो सकता है। बट दोनों ही शेयर्स में बोलूंगा कंडीशन अप्लाइड, अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के और कम वॉल्यूम के साथ ही काम करें, ऑप्शन से बचें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पे आप नजर रखिएगा क्योंकि जो एसआरएफ ने कल मल्टी क्वार्टर स्लोडाउन की बात की है अपने रिजल्ट्स के बाद, जितने भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आपकी केमिकल कंपनीज हैं वो सब दबाव में रह सकती है, स्पेशली एफएनओ वाली। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे ट्रेडिंग की। किरण जानी, लक्ष्य सिंह, अक्षय भागवत और कपिल शाह, चारों प्लेयर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। और मैं जाऊंगा सबसे पहले कपिल के पास। कपिल, आपसे शुरुआत करते हैं, ये आपके बैकग्राउंड में ये हरे निशान क्या चीज बनी हुई है? एक तो बार कोड लग रहा है, कुछ बुल लग रहा है, तो बुल है क्या वो? बुल ही लग रहा है। क्या है ये? बेसिकली हमने एक प्रोडक्ट इन्वेंट किया हुआ है ट्रेडेबल का, जहां पे जो कोई मार्केट में नौ सीखे होते हैं तो वो अपने आप से टेक्निकल एनालिसिस को सीख पाए। क्या बात है, आप निर्भर बने और अच्छे ट्रेडर बने। ठीक है, बताइए आज निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स कहां नजर आते हैं, उसके बाद हम बाकी सारे पैनलिस्ट से भी ट्रेडिंग आइडियाज लेंगे। जी, और निफ्टी के जो हम लेवल्स अभी हम देखते हैं तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से 18 हफ्तों के हमने अपसाइड मोमेंटम देखी हुई है और उस 18 हफ्तों में हमने 18% की अपसाइड मोमेंटम देखने मिली हुई है और ये मोमेंटम कहां ना कहां एक साइकोलॉजिकल लेवल जो था 20,000 वहां पे टेस्ट करके थोड़ा सा हमें दो दिन से नीचे में रिएक्शन देखने मिले हुए हैं। हालांकि मेजोरिटी ऑफ द टाइम मार्केट ने जो अपने इंट्राडे के जो लेवल्स है वो भी ब्रीच नहीं किए हुए, जो कि एक पॉजिटिव साइन और एक स्ट्रेंथ हम बता सकते हैं। और कल के जो मार्केट की क्लोजिंग हुई थी वो एक इंट्राडे के सपोर्ट लेवल पे ही हुई थी जो 19,670 के यहाँ पे है। लेकिन यहाँ इसके अलावा अगर हम इंटर मार्केट एनालिसिस करते हैं तो हमने देखा हुआ है कि क्रूड ऑयल काफी ऊपर की मूव कर रहा है, 78 के लेवल उसके क्रॉस हो गए हैं, 82 के लेवल उसका नेक्स्ट बेस्ट अपसाइड मोमेंट पोटेंशियल लगता है। जहां पे हम डॉलर इंडेक्स की भी बात करते हैं तो पहले 101 का काफी अच्छा एक सपोर्ट लेवल ले रहा था और 101 के लेवल के नीचे जब ब्रीच किया था तो तभी लगा कि हाँ एक इमर्जिंग मार्केट में आउटफ्लोस आएंगे, लेकिन वहां पे भी एक बैड ट्रैक होता हुआ हमें देखने मिल रहा है और 99 के लेवल से फिर से डॉलर इंडेक्स में भी अपसाइड मोमेंटम आ रहा है। और मार्केट भी अभी थोड़ा सा दो दिन पे हमें एक जो हैवी वेट काउंटर्स है वहां पे भी एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है, तो 19,670 का एक सपोर्ट लेवल है। अगर 19,670 के नीचे मार्केट ड्रिफ्ट होती है तो लग रहा है कि नीचे में मार्केट 19,500 तक फिसल सकती है और ऊपर में मार्केट की फ्रेश अपसाइड मोमेंटम तब तक हम रिज्यूम नहीं करेंगे जब तक 19,850 के लेवल क्रॉस नहीं करता है। तो इन अ नटशेल 19,670 एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, उसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो थोड़ा सा और पेन देखने मिल सकता है 19,500 तक। समझ में आ गई आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अब चलते हैं अपने पैनलिस्ट के पास और राउंड आउट ट्रेडिंग आइडियाज लेते हैं। शुरुआत करेंगे लक्ष्य सिंह के साथ। लक्ष्य, बताइए क्या ट्रेडिंग आइडियाज लेके आए आज आप हमारे व्यूअर्स के लिए? पहली चीज तो ये रहेगी कि निफ्टी का लेवल वॉच करें ओपनिंग के बाद। अगर हम जो ओपनिंग का लेवल है 19,660 बोलूंगा मैं, क्योंकि 72 पे क्लोजिंग है तो थोड़ा बहुत इनिशियल मूवमेंट आपको मिल सकता है, लेकिन अगर 660 के नीचे हम निकलते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पहला टारगेट 19,610 और 550 तक हम एक ड्रैग देख सकते हैं। ओवरऑल आईटी का स्ट्रक्चर काफी टूटा है, मतलब हमने इसमें
आई थिंक जब हम बात हुई थी एक दो हफ्ते पहले, तो हम इसमें अपसाइड की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे रिजल्ट के पहले, जो कि आ भी गया, बहुत अच्छा मूव दिया। और उसके बाद एक लेवल भी टेस्ट किया जो रेजिस्टेंस था, और वहां से शार्प करेक्शन आया इन्फोसिस के रिजल्ट के बाद। तो मुझे लगता है आईटी अभी प्रेशर में रहेगा बहुत ज्यादा इसमें अब बाउंस, क्योंकि जिस तरीके से इसकी कमर टूटी है इन्फोसिस रिजल्ट के बाद, इतनी जल्दी रिकवर नहीं होगा। तो आईटी सपोर्ट नहीं करेगा निफ्टी को। उसके बाद कुछ ऐसे सेक्टर है जैसे पीएसयू बैंक जो सपोर्ट कर रहा है, और ऑटो। तो मुझे लगता है ऑटो ऑलरेडी काफी चल चुका है, एक ही सेक्टर पे इतना ज्यादा भार देकर मुझे नहीं लगता कि निफ्टी कहीं जाने वाला है। तो मोस्ट प्रॉबली ऑटो भी यहाँ से थोड़ा करेक्शन में देख रहा हूँ आगे आने वाले समय में। और टाटा मोटर्स और आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये दोनों स्टॉक्स मुझे लगता है 3 से 5% यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग की तरह इसको लें, इसको ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत बड़ा फॉल आ जाएगा, बट ये दोनों स्टॉक यहाँ से थोड़ा सा फॉल दिखा सकते हैं। तो टाटा मोटर का जो है स्टॉप लॉस है 637, मुझे लगता है 616-610 तक ये एक फॉल दे सकता है, पोजिशनल कॉल रहेगा ये, कम से कम 3 से 5 दिन इसमें लग सकते हैं, हो सकता है 1-2 दिन में भी हो जाए, रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। और SBI है सेल, मुझे लगता है यहाँ पे भी एक डिप हमें मिलनी चाहिए, 605-608 तक के लेवल दिख सकते हैं। टाइटन यहाँ पे बाय हो सकता है क्योंकि टाइटन सबसे पहले करेक्ट हुआ है, और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 2940-2930 के आसपास, मुझे लगता है ये काफी यहाँ पे समय बिता रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पे हमें बाउंस मिले, और ये लोगों को सरप्राइज करेगा क्योंकि टाइटन हमेशा लोगों को सरप्राइज करता है, मार्केट के अगेंस्ट जाता है। मार्केट अभी ऑल टाइम हाई बना रहा था लेकिन ये करेक्ट कर रहा था, तो मुझे लगता है टाइटन यहाँ पे एक अच्छा कॉन्ट्रा बैट हो सकता है इवन इफ मार्केट गिरे। और अगर ये 2930 को होल्ड करता है तो 3050 तक के लेवल यहाँ देख सकते हैं इंडेक्स। और एक और है बैंक ऑफ बड़ौदा है मेरा, पीएसयू बैंक में अगेन बैंक ऑफ बड़ौदा सेल लग रहा है 202 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट 193-189 का है। इंडेक्स में मेरा व्यू ये है कि बैंक निफ्टी यहाँ से एक बार अगर 45,850 का लेवल तोड़ देता है तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट टू वॉच है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक पैनिक काइंड ऑफ हाई बनाया था ऑलमोस्ट 17 जुलाई को, तो वहां पे हम एग्जैक्टली पहुंच रहे हैं, तो वहां पे सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अगर ये सपोर्ट होल्ड नहीं करता है तो इन दैट केस जो टारगेट्स निकलेंगे 45,500 और 45,215, ये दो टारगेट निकलेंगे जिसके बाद ये पूरा का पूरा एक छोटा सा करेक्शन कंप्लीट होगा, और फिर हम शायद एक अटेम्प्ट करें अपसाइड का जो फाइनल अटेम्प्ट होगा बिफोर द फाइनल फॉल। तो ये अगले 1-2 दिन में चीजें ये हो सकती है क्योंकि फेड की पॉलिसी भी है, तो टाइमलाइन भी एकदम फिट बैठ रही है कि हम यहाँ से एक करेक्शन देखें। और नैसडैक की बात करूं ग्लोबली, क्योंकि मैं ग्लोबली काफी एनालाइज करता हूँ चीजें, तो नैसडैक में यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे जिस लेवल पे हम हैं यहाँ से करेक्शन नॉर्मली होता है। RSI यहाँ पे 73-74 पे कंसोलिडेट कर रहा है, जब भी यहाँ पे जाता है एक करेक्शन डिसेंट आता है 3 से 5% का। हो सकता है फेड पॉलिसी के बाद हमें एक करेक्शन वहां भी दिखे US में भी, और डाउ जोन्स भी ऑलरेडी चल चुका है जो नहीं लक्ष्य आपके पास लौटेंगे, फिर से आपका व्यू लेंगे बाकी तमाम सेक्टर पर स्टॉक्स पर। लेकिन लक्ष्य के निशाने पर है 4 शेयर और थोड़ा ट्रेंड के विपरीत जाकर ट्रेड सुझा रहे हैं। SBI को, BOB को शॉर्ट करने की सलाह है, टाटा मोटर्स से भी लगता है कि रैली बहुत होगी, आप शॉर्ट के मौके बन रहे हैं, लेकिन एक शेयर टाइटन भरोसा इनका कायम है, उसको खरीदने की सलाह दे रहे हैं। तो अच्छी चीज़ ये है कि इंडेक्स के सभी स्टॉक्स पर अपना व्यू शेयर किया लक्ष्य ने। अक्षय आप बताइए आपकी ट्रेडिंग पिक्स आज के लिए क्या है? टू ऑल और सारे इटिनाव स्वदेश के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा मानना है कि निफ्टी एक्सपायरी वीक है, थोड़ा वोलेटिलिटी है, बट 17,650 के एरिया से बाउंस कर जाएगा, तो अभी भी एडवांस डिक्लाइन के नजरिए में मैं मानता हूं कि बहुत सारे स्टॉक्स में अभी भी स्ट्रेंथ इंटैक्ट है। तो मेरे जो आज के दो रिकमेंडेशन है दोनों बाय साइड की तरफ है। पहला बाय है मेरा LIC हाउसिंग फाइनेंस, जो एक फॉलिंग वेज पैटर्न जैसा बनता दिख रहा है, ये एक बुलिश पैटर्न है और इसका ब्रेकआउट आपको 395 के ऊपर देखने को मिलेगा। काफी दिनों से ये स्टॉक साइडवेज कंसोलिडेशन में है, पर कल एक पॉजिटिव कैंडल देखने को मिला था, तो हम इसे बाय रिकमेंड करेंगे एट करेंट रेट फॉर ट्रेडिंग। इसका टारगेट प्राइस बनेगा पहला टारगेट 410 और दूसरा टारगेट 415, और ये ट्रेड में आप 382 का स्टॉप लॉस बना के चल सकते हैं। दूसरा ट्रेड जो मैं रेकमेंड करूंगा वो है अशोक लेलैंड। तो अशोक लेलैंड का अगर आप प्राइस पैटर्न देखेंगे तो एक बहुत ही बुलिश ब्रेकआउट इसको आप एक सॉसर फॉर्मेशन पे देखने को मिला था, जो था 170 के स्तर पे। इसके बाद मोमेंटम पिकअप हुआ है, इसका रिजल्ट्स लास्ट वीक डिक्लेयर हुआ था और रिजल्ट्स के पीछे मोमेंटम भी अच्छा पकड़ा है ये स्टॉक में, तो ये स्टॉक हमारे रेडार में है और ये हम ट्रेडिंग के लिए बाय रिकमेंड करेंगे। करंट रेट पे आप बाय कर सकते हैं 180 से 182 के बीच में, इसका टारगेट आप 194 और 198 का बना के चल सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 174। ऑलराइट ठीक है,
सो एल आई सी हाउसिंग और अशोक लेलैंड, ये तो आपकी रिकमेंडेशन। अब पैनल पर हमारे साथ हमारे चौथे एक्सपर्ट किरण जानी भी है, उनसे भी समझ लेते हैं। किरण, आप बताएं आपकी क्या आज की ट्रेडिंग राय? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज के अंदर है, थोड़ा कॉशियस अप्रोच हमें रखना चाहिए। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप की हम बात करें तो वहाँ पे क्लियर कट ब्रेकआउट स्टॉक्स काफी सारे अवेलेबल है। सो जिस तरह का व्यू बन रहा है स्टॉक स्पेसिफिक हमें जाना चाहिए। इंडेक्स को थोड़ा एक दो दिन कंसोलिडेट या तो जो भी प्रॉफिट बुकिंग हुआ आ रहा है उसको वेट एंड वॉच कीजिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम जाइए तो फोर्टिस हमारा पहला कॉल रहेगा। डेली चार्ट के ऊपर अगर हम देखेंगे तो फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। 330-320 कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस था कल, वहाँ उसके ऊपर क्लोजिंग आते हुए हमने देखा है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है, तो फोर्टिस हम लॉन्ग करके जाएंगे। 335 के आसपास का सेटलमेंट था, 350 तक के टारगेट हम देख रहे हैं, 329 एज अ स्टॉप लॉस हम 40 के अंदर मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो कॉल है वो निकॉन इंडिया एएमसी है। हमने एएमसी स्टॉक्स के अंदर काफी एक अच्छा बाइंग देख चुके हैं, लेकिन अभी भी जिस तरह से निकॉन इंडिया का चार्ट है डेली चार्ट के ऊपर एक बड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न और इंटरडे चार्ट के ऊपर क्लियर कट असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं 300 के आसपास एक रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर कंसोलिडेट किया है स्टॉक ने, तो लग रहा है कि यहाँ से एक और अपसाइड देखने को मिल सकती है। 310 के आसपास का क्लोजिंग था, हम लॉन्ग करके जाएंगे, 330 तक के हमारे टारगेट है एंड 304 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे निकॉन एएमसी में। ठीक है, तो किरण की ये दो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, फोर्टिस बाय, निपॉन लाइफ को बाय, दो खरीदारी की सलाह। कपिल, आखिर में आपसे जानेंगे आपके दो शेयर कौन से हैं? जी जैसे कि हम देख रहे हैं कि बैंकिंग स्टॉक में थोड़ा सा रिलेटिव स्ट्रेंथ बता रहा है और उसमें भी एनबीएफसी स्काउटर्स भी कल के दिन में हमने काफी अच्छी मोमेंटम दिखी हुई थी। एबी कैपिटल जो हमने पहले भी दो से तीन बार आपके टीवी चैनल पे प्रस्ताव रखा था, उसका एक अपसाइड मोमेंटम की जहां पे हमने अपसाइड मोमेंटम भी देखने मिली थी, तो आज फिर से एबी कैपिटल भी एक व्यू होगा। स्टॉक प्राइस काफी अच्छी मोमेंटम के बाद में 5 से 6 दिनों से एक रेंज बना रहा है, ऊपर में 198 और नीचे में 183। कल से हमें नीचे के लेवल से रिकवरी होते हुए देखने मिल रही है, तो यहाँ पे हमारा एक बाय का व्यू बनेगा। 189 जो करंट लेवल है, 183 जो इसके लोअर बैंड है उसके नीचे हमारा एक स्टॉप लॉस रहेगा और जो इसके अपर बैंड है 198 की वहां पे हमारा एक टारगेट लेवल देखने मिलेगा। मार्केट अभी एक असमंजस परिस्थिति में है, तो यहाँ पे मैं लार्ज कैप पे एक छोटा सा एक शॉर्ट का व्यू भी रखूंगा जो है जेएसडब्ल्यू स्टील। मेटल स्टॉक्स ने काफी कुछ ज्यादा आउट परफॉर्म नहीं किया हुआ है इस बार में, पिछले के कुछ दिन के अपसाइड मोमेंटम के बाद में प्राइस अभी तो फिर से नीचे रिट्रेस कर रहे हैं, तो जेएसडब्ल्यू स्टील पे मेरा एक शॉर्ट का व्यू रहेगा। 775 के लेवल पे ये स्टॉक चल रहा है और नीचे में 750 के हमें टारगेट लेवल्स देखने मिल सकते हैं और ऊपर में 790 के स्टॉप लॉस रहेंगे। ओके, ठीक है। सो आप यहाँ पर जेएसडब्ल्यू स्टील पर आपकी रिकमेंडेशन होगी, तो सारी रिकमेंडेशन हमारे एक्सपर्ट्स की आपके सामने आ चुकी हैं और जेएसडब्ल्यू स्टील को और मेटल्स थोड़े लगाड़ भी हैं वहाँ पर आप, और क्योंकि डॉलर इंडेक्स 101 के पास है, लेकिन एबी कैपिटल को आप खरीदने की सलाह दे रहे हैं, तो ये तो रिकमेंडेशन का मेटल स्टॉक्स में एक चाइना स्टिमुलस का एंगल। हाँ, लेकिन उस पर ये भी तो बात हो रही है कि शायद आएगा नहीं आएगा। नहीं आएगा ही नहीं आएगा तो उम्मीदें हैं। एक बड़ी ब्रोकिंग फर्म की तरफ से आया था कि चाइनीज का स्टिमुल, हाँ, स्टिमुलस शायद लाइकली नॉट टू कम, मे बी। अगर आया जो क्रूड चल रहा है ना, जो 83 के पास पहुंचा है, तो ट्रिगर मेजर ट्रिगर वही है। करेक्ट, तो सारे बड़ी ट्रिगर जरूर रडार पे होने चाहिए। करेक्ट, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा दबाव दिख रहा है। कल भी मेटल्स लगाड़ थे, कल तो खैर पूरा बाजार वीक था, लेकिन कल बड़ी अर्निंग्स कहाँ कहाँ थी, नंबर्स कहाँ कहाँ से आए और साथ ही आज कौन से खबरों वाले शेयर हैं, ये सारा का सारा सारे रिसर्च लेकर हमारी पूरी टीम तैयार है। अशेषा हमारे साथ बनी हुई है आज के सारे स्टॉक्स एंड न्यूज़ बताने के लिए, और इनफैक्ट विनोद मोदी भी हमारे साथ बने हुए हैं आज का आज के फंडामेंटल राय देने के लिए शो पर, और पूजा हमारे साथ अर्निंग्स पर बात करने के लिए बनी हुई है। चलिए पहले पूजा का रुख करते हैं। पूजा, कौन कौन से बड़े नंबर्स आए हैं जो मार्केट आज के बाद आपने कंपाइल किए हैं? बिल्कुल, टाटा स्टील को तो लेकर चर्चा हुई, उसके अलावा जो नतीजे आए हैं कैश सेगमेंट से और वायदा बाजार से, उसमें सबसे पहले शुरुआत मजबूत नतीजों से करते हैं। आरती सर्फेक्टेंट्स के नतीजे काफ़ी मजबूत आए हैं, आय में हमें कमी ज़रूर दिख रही है, लेकिन अगर मार्जिन देखेंगे, मुनाफा देखेंगे, वहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग परफॉर्मेंस रही है। मुनाफा करीब 41% से बढ़ा है कंपनी का, मार्जिन 7.3% से बढ़कर 10% के कंपनी ने घोषित किए हैं। इसके अलावा स्पंदाना स्फूर्ति के भी नतीजे काफ़ी
काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। ब्याज से आए 162 करोड़ से बढ़कर 328 करोड़ कंपनी ने घोषित की है। घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी और एसेट क्वालिटी भी काफी मजबूत नजर आ रही है। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए दोनों में ही कंपनी ने कमी दर्ज की है। अब आते हैं चेन्नई पेट्रो के नतीजों पर। यहाँ पर नतीजे कमजोर जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन जो हम उम्मीद कर रहे थे अनुमान के मुताबिक ही नतीजे हैं। नंबर्स आपके सामने रखते हैं। आय में अगर देखेंगे तो 34% की गिरावट, मुनाफा 76% घटा है कंपनी का और मार्जिन में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अनुमान के मुताबिक इन लाइन नंबर्स हैं चेन्नई पेट्रो के। डीसीएम श्रीराम के नतीजे काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। आय में करीब 1.25% की गिरावट है, मुनाफा 77% घटा है कंपनी का बढ़े हुए एक्सपेंसेस के चलते और मार्जिन में भी यहां पर दबाव देखने को मिला। ये तमाम नतीजे आपके आज फोकस में रहने चाहिए, इस पर अपने एक्सपर्ट्स का व्यू भी लेंगे, लेकिन आरती सर्फेक्टेंट्स और स्पंदन स्फूर्ति, क्योंकि कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, निश्चित तौर पर आज एक बड़े गैप पर यह शेयर खुलता हुआ दिखाई देगा। आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन अशीषा हमारे साथ बनी हुई है। अशीषा बताइए, खबरों वाले कौन से शेयर हैं, क्या है स्टॉक्स न्यूज़? जी हाँ, सबसे पहले L&T के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है जहाँ आज बायबैक और स्पेशल डिविडेंड कंसिडर किया जाएगा। याद रखिए ये सबसे पहला बायबैक होगा कंपनी के द्वारा, सो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीट है जिस पर स्ट्रीट की नज़र रहेगी। जेफरीज का मानना है कि 10,000 करोड़ का बायबैक आ सकता है जो 2.8% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल होगा। इसके अलावा मारुति भी आज फोकस में रहेगा। कंपनी ने कुछ 87,500 व्हीकल्स रिकॉल किए हैं 5 जुलाई और 15 फरवरी 21 के बीच जो मैन्युफैक्चर हुए थे, उसके एक्सप्रेसो और इको के मॉडल्स रिकॉल किए हैं, जिसके चलते मारुति सुजुकी पर भी अपनी नज़र रखे। SJVN की बात करें तो कंपनी को कुछ नए ऑर्डर्स मिले हैं। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से पांच नए प्रोजेक्ट मिले हैं 5,100 मेगावाट के, 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा कंपनी का इस ऑर्डर बुक के चलते, जिसके चलते SJVN इन एनी केस पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहा है और अभी भी फोकस में रहेगा। टॉरेंट पावर की बात करें तो कंपनी ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में फोरे किया है। 2 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन कंपनी ने सेटअप किए हैं सूरत में और 4 नए स्टेशन अहमदाबाद में, तो ये बड़ी खबर आती हुई नजर आई है, जिसके चलते टॉरेंट पावर पर भी अपनी नज़र रखे। DLF की बात करें तो अंधेरी में कंपनी ने नया प्रोजेक्ट सेटअप करने की बात की है। 35 लाख स्क्वायर फीट का ये प्रोजेक्ट होगा और 400 करोड़ कंपनी इन्वेस्ट करेगी ये प्रोजेक्ट के लिए। BCL इंडस्ट्रीज से कुछ कैपेक्स प्लान्स कमीशन होते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ एक्सपेंशन प्लान्स कंपनी ने बताए। कंपनी ने 200 KLPD एथेनॉल एक्सपेंशन का भटिंडा फैसिलिटी में जो था वो कमीशन कर दिया है और 220 करोड़ का करीब करीब कैपेक्स कंपनी ने इस पर्टिकुलर फैसिलिटी पर इंकर किया था। लास्ट में RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज कल नतीजों के दम पर फोकस में था और आज भी फोकस में रहेगा। कंपनी ने ब्रूकफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल रियलिटी के साथ कुछ टाई अप किया है। इंडिया में डेटा सेंटर बिजनेस कंपनी सेटअप करना चाहता है और कंपनी के पास ये पर्टिकुलर जॉइंट वेंचर का 33.4% स्टेक रहेगा। सो ये न्यूज़ आती हुई नज़र आई, जिसके चलते रिलायंस पर भी नज़र रहेगी। ऑलराइट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीषा। ये सारे स्टॉक्स पर हम नज़र रखेंगे, लेकिन चलिए आज की बड़ी ब्रोकिंग हाउस के रिपोर्ट्स भी वमाक्षी से समझ लेते हैं, फिर इन आगे ट्रेड डिस्कस करेंगे। वमाक्षी बताएं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम ITC के साथ। ये स्टॉक कल भी फोकस में था और आज भी फोकस में रहेगा। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि होटल बिजनेस अपना खुद का एक अलग ग्रोथ पाथ चार्ट करेगा। उनका कहना है कि कैपिटल एलोकेशन को लेकर जो थोड़े कंसर्न्स थे वो अब मीडियम टर्म के लिए थोड़े रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं और इनफैक्ट जो करंटली मॉर्गन स्टैनली होटल्स बिजनेस को करीब 17,400 करोड़ पर वैल्यू कर रहे हैं। तो ओवरऑल मॉर्गन स्टैनली की तरफ से ओवरवेट की राय आ रही है ITC पर, टारगेट प्राइस 474 के साथ। इसके अलावा टाटा स्टील भी हमारे रेडार पर है। हम देख रहे हैं कि कंपनी के नतीजों के बाद कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से रिपोर्ट आए हैं। CLSA ने अपनी आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा और मॉर्गन स्टैनली ने अपनी इक्वल वेट की राय को बरकरार रखा है। लार्जली CLSA का कहना है कि इन लाइन रिजल्ट्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं और मुनाफे को एक एक्सेप्शनल आइटम की वजह से बूस्ट मिला है। ओवरऑल अगर हम देखें, मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि स्टैंड अलोन EBITDA अनुमान से थोड़ा सा मजबूत था, मगर कंसोलिडेटेड EBITDA यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस नजर आई क्योंकि वीकर ट्रेंड्स नजर आए हैं उनके यूरोपियन कारोबार में। तो लार्जली ये था टाटा स्टील के, ये थे टाटा स्टील के ऊपर ब्रोकरेज और इसी के चलते ये स्टॉक आपके रेडार पर। इसके अलावा अगर हम देखें
के TVS मोटर्स भी हमारे रेडार पर है, जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि टू व्हीलर वॉल्यूम्स रिकवर कर रहे हैं और एक्सपोज बॉटम आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट उनका कहना है कि TVS एक अच्छा बेनिफिशियरी रह सकता है डिमांड रिवाइवल दोनों ही डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट में, और इसी के चलते जेफरीज ने खरीदारी की राय दी है TVS मोटर्स पर टारगेट प्राइस 1550 के साथ। DLF भी हमारे रेडार पर है, CLSA ने अपनी राय को डाउनग्रेड किया है, आउट परफॉर्म की राय पर उन्होंने डाउनग्रेड कर दी है और इनफैक्ट अपना टारगेट प्राइस उन्होंने स्लाइटली बढ़ाया है 547 प्रति शेयर पर कर दिया है, और जेफरीज की तरफ से हालांकि खरीदारी की राय आ रही है, टारगेट प्राइस उन्होंने बढ़ाकर 570 प्रति शेयर पर कर दिया है। लास्टली ब्रोकरेजेस हाईलाइट कर रहे हैं कि हाउसिंग डिमांड मोमेंटम अभी भी जारी है, नई लॉन्च पाइपलाइन उन्हें नजर आ रही है सेकेंड हाफ में। ओवरऑल अगर उनका कहना है जेफरीज का कि क्वार्टर वन का परफॉर्मेंस थोड़ा सा म्यूटेड था प्री सेल्स फ्रंट पर, मगर लार्ज लॉन्चेस प्लान्ड है सेकेंड हाफ में। तो ऑल इन ऑल ये था DLF और इसी के चलते ये स्टॉक हमारे रेडार पर। आखिर में हम फोकस करेंगे ऑटो स्टॉक्स पर। HSBC की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उनका कहना है कि टू व्हीलर डिमांड आगे चलते सस्टेन होती हुई नजर आ रही है, उन्हें टू व्हीलर स्पेस पसंद है, TVS मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प को ये प्रेफर करते हैं। बजाज ऑटो पर हालांकि उनकी तरफ से डाउनग्रेड की राय आ रही है, उन्होंने होल्ड की राय से उन्होंने खरीदारी की राय से डाउनग्रेड कर होल्ड की राय दी है, मगर हीरो मोटोकॉर्प पर उन्होंने एक अपग्रेड दिया है, होल्ड की राय से खरीदारी की राय दी है और अपना टारगेट प्राइस भी 3,000 रुपये प्रति शेयर से बढ़ाकर 3,700 रुपये प्रति शेयर पर कर दिया है। राइट, थैंक्स वेरी मच फॉर दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ बड़े स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं जो न्यूज में अभी अभी डिस्कस हुए। ITC उसमें एक बड़ा शेयर है, कल 6% का फॉल आया ITC में। डीमर्जर की न्यूज जो बहुत दिनों से उम्मीद बनाए बैठा था बाजार, वो फाइनली आई और स्टॉक का जो रिएक्शन था वो देखने लायक था। डेज लो पे बंद हुआ, सेल ऑन न्यूज का टिपिकल पैटर्न हमने कई बार भी देखा है। विनोद, क्यों ना इनसे बातचीत, आपसे ITC से ही शुरुआत की जाए बातचीत की। 470-475 के भाव पे ये जो डीमर्जर वाली बात आई है कल शाम को, क्या ये फैक्टर्ड इन हो चुकी थी, रिएक्शन को क्या बोलते हैं और इस भाव पे क्या करना चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग अजय जी, प्रियंका एंड ऑल। तो डेफिनेटली ये जो न्यूज आई है जिसके वजह से स्टॉक में जो नीजक रिएक्शन आया है उसका सबसे हम जो रीजन था सबको पता है कि स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी ये कंप्लीट स्प्लिट होगा, राइट। लेकिन जो 40% का जो कंपनी जो होल्ड करके अपने स्टेक रख रही है वो कहीं ना कहीं निवेश वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे स्टेक, क्योंकि उसके वजह से जो होटल बिजनेस का जो उनका जो ओवरऑल ITC पे जो मिलेगा होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट वो मिलता रहेगा, चाहे 30% 40% व्हाटएवर जो भी कर ले। तो ये स्ट्रीट ने ये पसंद नहीं किया जिसके वजह से स्टॉक डाउन था। बट हैविंग सेड ऑल दिस, जो ये डेवलपमेंट हुई है काफी पॉजिटिव है कंपनी के लिए। इससे तो एक चीज काफी क्लियर हो जाती है कि अभी ये सेपरेट अगर ये होटल ट्रेड अभी बिजनेस ये ऑपरेट करेंगे तो जिसके वजह से जो कैश फ्लो जनरेशन होगा एक ITC के लेवल पे वो काफी बेहतर होगी, क्योंकि अभी जो अब लगभग 20-25% जो ओवरऑल कैपेक्स का ये सेगमेंट को भी हिस्टोरिकली जाया करता था, आई थिंक वो यहाँ से सेग्रीगेट हो जाएगा और जिसके वजह से आई थिंक ITC पे अच्छा असर पड़ना चाहिए। और ओवरऑल मुझे लगता है डिविडेंड पे आउट के चांसेस जिसके वजह से आने वाले सालों में काफी बेहतर हो गए, तो मुझे ये डेवलपमेंट इन्वेस्टर के लिए लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से काफी बेहतर है। द सेम टाइम यू शुड नॉट फॉरगेट द फैक्ट डिस्पाइट ऑल दिस ITC का वैल्यूएशन अगर देखो तो अभी का कल का वैल्यू के हिसाब से 24x पे ट्रेड कर रहा है, वेरेज कंपनीज लाइक यू नो चाहे मैं HUL की बात करूं जो 48-50 के एक्स पे ट्रेड कर रहे हैं, गुजरात अदर जो दूसरे कंज्यूमर्स प्लेयर है वो भी आप 35-40 और 45 के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ITC में अभी भी बहुत सारी वैल्यूएशन लेफ्ट है और मुझे लगता है ये यस्टरडे का नीचे जो रिएक्शन जो रिएक्शन था वो हमें आई थिंक दैट शुड गेट डिस्काउंटेड। आने वाले समय में ITC के शेयर होल्डर्स मुझे लगता है अच्छे खासे रिटर्न बनाने वाले हैं। ठीक है, ITC पर विनोद का ये भी, लेकिन ITC के साथ साथ इंडेक्स का एक और दिग्गज L&T फोकस में रहेगा, क्योंकि आज नतीजे आएंगे लेकिन नतीजों से ज़्यादा जो फोकस होगा वो होगा बायबैक, क्योंकि कंपनी ने ऐलान किया था कि बायबैक पर विचार करेगी 25 तारीख को जो नतीजों के साथ साथ। 2600 रुपये के आसपास ITC चलते चलते आ गया है और उम्मीद ये की जा रही है क्योंकि 25,000 करोड़ रुपये के आसपास का कैश बैलेंस है, तो जो बायबैक की साइज हो सकती है 10,000 करोड़ रुपये के आसपास की हो सकती है ऐसा अनुमान लगा के चला जा रहा है। हालांकि कंपनी इस पर आखिरी फैसला लेगी, लेकिन इस पर अक्षय आप यू दीजिए, L&T टेक्निकल पैटर्न्स इसके कैसे दिख रहे हैं और 2600 रुपये के ऊपर भी क्या आप रफ्तार देख रहे हैं शेयर में, या फिर एक बार नतीजों को आ जाने दिया जाए, चीजें साफ हो जाए उसके बाद इसको हाथ लगाएं?
निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पिकअप करा है, मेनली बिकॉज बायबैक का न्यूज पहले ही डिक्लेयर हो चुका था 2 दिन पहले। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला 2500 पे, जहां पे ऑप्शन राइटरों ने अपनी पुट राइटिंग की पोजीशन बिठाई गई है। तो 2500 2550 ये सब तो ऑलरेडी रिटर्न है, इसके नीचे तो नहीं आना है। तो यहाँ से ऊपर में कॉल राइटिंग देखे अगर 2 दिन के हिसाब से तो 2600 पे है। तो अभी भी मोमेंटम और बाकी है एलएनटी में, बिफोर रिजल्ट आफ्टर रिजल्ट मेरा मानना है थोड़ा और चलेगा स्टॉक, आपको ऊपर में 2640 से 2670 तक स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो जरूर इसमें बाइंग के पोजीशन बना के आप चल सकते हैं, 2500 2550 सपोर्ट एरिया रहेगा, और अगर आप स्टॉप लॉस ये ट्रेड में रखना चाहते हैं तो 2540 का बना के चले। ठीक है जेंटलमैन, आपके पास आता हूं मैं। एक बहुत बड़ी खबर जो आईटीसी की आई है उसने लोगों को थोड़ा इसमें डाला है कि इस भाव से क्या करें। बात तो 500 600 700 रुपए की भी हुआ करती थी कि अगर सम ऑफ पार्ट्स इसका बनेगा कैसा बैठेगा। कल सेल ऑन न्यूज का रिएक्शन दिया बाजार ने जब इन प्रिंसिपल अप्रूवल आया। कौस्तुभ पावस्कर जो इस सेक्टर को स्पेस को बहुत क्लोजली वॉच करते हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। कौस्तुभ गुड मॉर्निंग। ये आईटीसी का रिएक्शन और आईटीसी की न्यूज कैसे एनालाइज करते हैं आप? यहां से और फर्दर वैल्यू अनलॉकिंग लगती है क्या? 470 पे आपका बाय कॉल है, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी इस लेवल्स पे आना चाहता है तो आपको यहाँ से पैसा बनता हुआ दिखता है? गुड मॉर्निंग आपको और व्यूअर्स को। सी कल का जो रिएक्शन था वो एक नीचर रिएक्शन था। अगर हम बात करेंगे डीमर्जर के बारे में ये एक पॉजिटिव मूव है कंपनी के लिए, बिकॉज होटल बिजनेस था वो एसेट हेवी बिजनेस है। अराउंड 20% 25% उनका जो कैपेक्स सालाना हो वो करते थे, उसमें से 20-25% वो होटल बिजनेस के लिए करते थे। तो आगे चल के यू नो दिस विल बी अ डीमर्ज एंटिटी जिसमें आईटीसी एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, एक स्ट्रैटेजिक उनका एक होल्डिंग रहेगा जिसमें वो बिजनेस को एक यू नो एक एक्सटर्नल सपोर्ट देंगे। फ्रॉम ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखेंगे उनका जो कैश फ्लो वो जनरेट कर रहे थे है वो लार्ज पार्ट ऑफ द कैश फ्लो वो अपना जो नॉन सिगरेट एफएमसीजी बिजनेस है, सिगरेट बिजनेस है, वहां पे वो इन्वेस्ट करेंगे। नॉन सिगरेट एफएमसीजी बिजनेस अगर हम देखेंगे कि पिछले 3-4 साल में काफी अच्छा स्केल अप हो गया, जहाँ पे उनका रेवेन्यू ग्रोथ कंसिस्टेंटली हमें दिखा है, मार्जिन्स कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो गए, लो मिड सिंगल डिजिट टू हाई टू डबल डिजिट काइंड ऑफ एबिटा मार्जिन, और मुझे लग रहा है कि आगे चल के ये बिजनेस पे ज्यादा फोकस होगा। हालांकि होटल बिजनेस 3% रेवेन्यूज और पैट प्रॉफिटेबिलिटी कंट्रीब्यूट कर रहा था, इन्वेस्टमेंट्स उसमें ज्यादा होते थे। अगर हम आगे चल के ये इन्वेस्टमेंट्स बाकी के बिजनेसेस में लगेंगे तो उनका रिटर्न प्रोफाइल जो है ओवरऑल इंप्रूव होगा, बिकॉज नॉन सिगरेट एफएमसीजी का प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हो रहा है। माना जा रहा है कि आगे चल के वो और भी इंप्रूव हो जाएगा कंसिडरिंग जो स्केल अप हुआ है बिजनेस में। सो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये मूव जो है वो एक पॉजिटिव दिशा में कंपनी ने ली है, उसके बारे में काफी बोला जा रहा था, कंपनी ने अभी एक पॉजिटिव स्टेप लिया है। हालांकि ये जो रिएक्शन था जैसे विनोद ने पहले कहा कि इट इज मेनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट एक्सपेक्टेशन था कि पूरा बिजनेस डीमर्ज होगा, बट कंपनी ने 40% अपने पास रखा है, और मुझे लग रहा है कि दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कंपनी वॉन्ट्स टू गाइड द बिजनेस टू इट्स नेक्स्ट लेवल। सो दैट इज ये एक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे चल के फ्रॉम द स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू। स्टॉक कल 4% गिरा है, मुझे लग रहा है कि इट्स अ गुड टाइम टू एंटर इनटू द स्टॉक, बिकॉज अभी भी अगर हम देखेंगे उसका वैल्यूएशन अगर लार्ज एफएमसीजी कंपनीज के मुताबिक हम कंपेयर करेंगे तो इट इज ट्रेडिंग एट 35-40% डिस्काउंट। कोर बिजनेसेस अच्छा कर रहे हैं, नॉन सिगरेट एफएमसीजी बिजनेस इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, डिविडेंड पे आउट यहाँ से इम्प्रूव हो सकता है, तो मुझे लग रहा है कि इट्स वन ऑफ द बेटर पिक्स इन द एफएमसीजी स्पेस, और ये लेवल्स पे खरीदना चाहिए। हालांकि 50% रिटर्न दिया है स्टॉक ने पिछले एक साल में, बट डिस्पाइट दैट वैल्यूएशन अभी भी अट्रैक्टिव है, और मुझे लग रहा है यहाँ से एक गुड बाय हो सकता है, और एक आपके एफएमसीजी पोर्टफोलियो में एक अच्छा फिट हो सकता है। खास बात बोली अभिषेक, आप ध्यान दीजिएगा इसमें, ये जो 40% रिटेन कर रहे हैं, जो आपका इतना बड़ा मेजोरिटी स्टेक रिटेन हो जाता है, तो आप स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन अपने हाथ में रखते हैं। तो ये सिर्फ क्लीन कट डीमर्जर और वैल्यू अनलॉकिंग नहीं है,
ये वैल्यू स्टैब्लिश होगी अभी उस धरने की, वो बढ़ाएंगे, और तो ये जो कल 6-7% 5% फॉल आया, आई थिंक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी। कल हमने एक एक्सक्लूसिव खबर भी दी थी अजय कि इसमें कंपनी ने कहा है कि वो स्ट्रेटजिक निवेशक लेके आएंगे, करेक्ट। तो ये कमिटमेंट को भी दिखाता है कहीं ना कहीं, तो वैल्यू यहाँ से फर्दर अनलॉक होगी। ये तो एक 600-500 रुपए तक का भाव आ गया सिर्फ डीमर्जर। अब उसके मोडेलिटीज और बाद में स्ट्रेटजिक इन्वेस्टर वाला पॉइंट बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया कौस्तुभ आज हमसे बात करने के लिए। कुछ और ढेर सारे स्टॉक्स अपने पैनल से डिस्कस करते हैं। लक्ष्य के पास जाऊंगा मैं। लक्ष्य कल स्पंदना स्फूर्ति जो स्टॉक हमने अभी हेडलाइन में लिया वो 10% ऊपर चला जा रहा, उसके चार्ट चक्कर के बताएं, उसमें एक बड़ा टर्न अराउंड दिखाई दिया है। 200 करोड़ के लॉस के सामने कंपनी प्रॉफिट में आ गई, कल अच्छी वॉल्यूम ब्रेकआउट थी। क्या आज भी इसके अंदर ट्रेडिंग आइडिया ट्रेडिंग का आपको गुंजाइश नजर आती है यहां से भी? डेटे साहब कल का चार्ट लेके आइए और लास्ट 3 महीने का चार्ट लेके आइए। लक्ष्य स्पंदना जी, तो ये स्पंदना जो स्टॉक है करंटली ये बहुत बड़े एक टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है, और इस लेवल के बाद आपको यहाँ पे काफी अपसाइड देख सकते हैं, ऑलमोस्ट टुवर्ड्स 1000 रुपीज। तो ये पोजिशनल व्यू है क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, ब्रेकआउट बड़े टाइम फ्रेम पे हुआ है। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे थोड़ा बहुत यहाँ पे हो सकता है कंसोलिडेशन, लेकिन वो भी आपका 780 से 800 की रेंज में होना चाहिए। और अगर हम 810 815 के एरिया को निकालते हैं तो नेक्स्ट टारगेट 870 से लेकर 900 तक के हो सकते हैं, और काफी अच्छा ब्रेकआउट है, स्ट्रेंथ है, वॉल्यूम है इसमें, तो मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट बहुत टाइम नहीं लगाएगा और हमें 900-950 तक के लेवल पे देख सकते हैं अगले 2-3 हफ्ते के अंदर। ठीक है, ये हो गया स्पंदना। कल पूनावाला फिनकॉर्प के भी नंबर्स आए हैं। पूनावाला फिनकॉर्प हालांकि कल कमजोर था लेकिन नंबर्स तो बहुत ठीक ठाक आए, इनफैक्ट डेज लो भी बंद हुआ लेकिन नंबर्स के आफ्टर मार्केट आ जाए, और फर्स्ट क्वार्टर अपडेट में थोड़ा आइडिया दे दिया था कि किस तरह के नंबर्स आएंगे जस्ट आफ्टर बजाज फाइनेंस, उन्होंने नंबर दिया था, स्टॉक चल गया था, तो रिजल्ट काफी हद तक फैक्टर इन हो चुके थे उसके अंदर। लेकिन चार्ट चेक लेते हैं किरण से। किरण, पूनावाला फिनकॉर्प पे क्या टारगेट बन रहा है, क्या सपोर्ट लेवल्स है? पूनावाला फिनकॉर्प की अगर हम बात करें तो ओवरऑल एनबीएफसी स्टॉक्स के अंदर जिस तरह से हम मूवमेंट देख रहे थे, बजाज फाइनेंस के जिस तरह से क्वार्टर अपडेट आए थे उसके बाद से स्टॉक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रहा है। क्लियर कट एक यहाँ पे हम देखें तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो जिस तरह से ओवरऑल पैटर्न दिख रही है या तो मोमेंटम इंडिकेटर दिख रहा है, डेफिनेटली बाय एंड डिप्स की ही यहाँ पे स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। कोई भी डिप आता है 360-350 तक तो हमें लॉन्ग करना चाहिए, करंट मार्केट प्राइस से भी हम लॉन्ग कर सकते हैं। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 340 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। परसेंटेज वाइज स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है लेकिन एक लार्जर टाइम फ्रेम पे के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट पैन आउट हो रहा है तो देयर आर चांसेस कि हम इसमें 420-450 तक के टारगेट देख सकते हैं, तो कोई भी डिप आए लॉन्ग करके जाए 340 के स्टॉप लॉस के साथ। ऑल राइट, ठीक है, तो ये तो बात हुई पूनावाला फिनकॉर्प की, लेकिन ये जिस तरह से पावर स्टॉक्स में पावर स्पेस में अच्छी खासी मूव दिख रही है, कल पीएचसी आरईसी रिकॉर्ड लेवल्स पे थे। दूसरे स्टॉक्स आप एनर्जी स्पेस से आप देखें एसजीवीएन जैसे स्टॉक्स, उनमें अच्छी मूव थी, आयनॉक्स विंड में अच्छी मूव थी, और एसजीवीएन पे तो एक फर्दर एक और न्यूज आई है, उन्हें एपी गवर्नमेंट से 5 प्रोजेक्ट्स मिले हैं और काफी अच्छा, इन 5 प्रोजेक्ट्स के लगभग 50,000 करोड़ खर्च भी होने हैं। एसजीवीएन में जिस तरह की मूव बनी हुई है, क्या यहाँ पर अब भी एक एंट्री पॉइंट लक्ष्य ढूंढना चाहिए? जी फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि एक नई एंट्री यहाँ पे बनेगी क्योंकि ऑलरेडी काफी आपने मूव देख लिया है न्यूज बेस्ड, तो थोड़ा सा कूल डाउन होने का वेट करें। अगेन अगर 50-50 एरिया पे आता है तो वहां पे ही एंट्री बनेगी, करंटली इसको चेज ना करें। अगर ये गैप अप देता है तो भी आपको वहां पे शायद सेलिंग प्रेशर देखे गैप अप के बाद, अगर आज मिलता है तो 52 का वेट करें। ठीक है, एसजीवीएन में 52 रुपए के स्तर पर आप नजर रखें, कल बहुत बड़ी तेजी हुई थी अच्छी खबरों के दम पर, और एसजीवीएन के साथ साथ कल हम देख रहे हैं कि पीएफसी आरईसी जैसे स्टॉक्स भी चल रहे थे। लेकिन एक बार जरा टाटा स्टील पर जरा व्यू लेते हैं विनोद आपसे, क्योंकि नंबर्स कल आए हैं और नतीजे मिले जुले ही हैं, कुछ चीज़ें अच्छी हैं कुछ चीज़ें अनुमान से कमज़ोर हैं। आय देखिए 6% कम हुई है, मुनाफे में 63% का हमने कमी देखा है, लेकिन कर्ज वाला जो मसला है टाटा स्टील को लेकर कहीं ना कहीं उसकी चर्चा होती है, कर्ज हमें बढ़ता हुआ दिखाती है, 73,000 करोड़ रुपये के आसपास का नेट डेट पहुँच गया है। आप टाटा स्टील को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसको शेयर को भी देखें तो कहीं ना कहीं रेंज में फंसा हुआ है, यहाँ से आप क्या कुछ शेयर में रिवाइवल देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना से स्टिमुलस की बातचीत भी हो रही है, थोड़ा सा ग्लोबली माहौल सुधर रहा है, सही भाव पर है? जी, जहां तक ओवरऑल सेक्टर की बात है तो हमारा व्यू न्यूट्रल है ये सेक्टर में, क्योंकि
ये सेक्टर का जो साइकिल है मुझे लगता है कि जो दो साल पहले जो ढाई साल पहले जो चली थी उसमें बहुत लोगों ने मिस किया। आई थिंक यहाँ से साइकिल समझना मुझे लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट होगी, क्योंकि अभी हम लोग एक साइड हम लोग चाइना स्टिमुलस की बात करें तो दूसरे साइड में वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट स्लो डाउन इन ग्रोथ ऑफ यू नो यूरोपियन और यूएसए मार्केट में। तो आई थिंक ये सब बहुत मिली जुली चीजें जिसकी वजह से पूरा व्यू निकल के नहीं आ रहा है। एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग रियलाइजेशन ओवरऑल ये सेक्टर के देखें तो रियलाइजेशन भी उतने अच्छे नहीं है। YoY सिक्वेंशियल बेस पे भी रियलाइजेशन कम है। नॉट स्पेसिफिकली अगर मैं टाटा स्टील की बात करूँ तो टाटा स्टील की अगर मैं 5-6 साल का व्यू लूँ तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड कंपनी। अब 21 मिलियन टन जो अभी उसका क्रूड स्टील की कैपेसिटी है, दे टॉकिंग अबाउट ब्रिंग इट टू 40 मिलियन टन के अगर कर देगा 2030 तक तो वो बड़ा बहुत बड़ा ग्रोथ होगा। एट द सेम टाइम उसका जो सबसे अच्छी चीज जो एक क्वार्टर की निकल के आई है कंपनी की, अगर इंडिया का उनका वॉल्यूम ग्रोथ देखे तो 20% करा। दैट शोज कि जेन्युइनली बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर थिंग इन इंडिया इनको इन कंपनियों को बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन ऑफकोर्स ये इंडिया के बाहर में वो चीज अभी भी थोड़ा सा उतना बेहतर नहीं है। कैपेक्स की अगर बात करें, कैपेक्स जैसे मैंने बोला मैंने बताया कि 40 मिलियन टन की कैपेक्स करेगी, ऑलरेडी 71,000 करोड़ का इनका नेट डेट हो गया है। सिक्वेंशियली भी अगर आप देखें तो ग्रॉस लेवल पे 6,000 करोड़ की यू नो डेट एडिशन हुआ है, तो मुझे वो चीज थोड़ा कंफर्ट नहीं दे रहा है। बट ओवरऑल हमारा व्यू न्यूट्रल रहेगा। और एट द सेम टाइम अगर किसी को भी टाटा स्टील में बेट लेना है तो आई थिंक आई विल नॉट सजेस्ट 1 साल आई मीन 6 महीने से 1 साल के लिए किसी को भी लंबा व्यू लेकर के ये स्टॉक में रहना चाहिए। लास्ट के 10 सेकंड थे बड़े कीमती थे कि लंबे अवधि में यहाँ से ही पैसा बन सकता है। लेकिन आगे चलते हैं और एक स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं और उसका नाम है अनंत राज इंडस्ट्रीज। वो स्टॉक में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ वो बता देता हूँ। कपिल जरा इसके चार्ट लेके आइए। आज डेटा सेंटर को लेके एक बड़ी खबर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज डेटा सेंटर के कारोबार में आना चाहता है। इस समय लिस्टेड यूनिवर्स में सिर्फ एक स्टॉक है जो डेटा सेंटर का प्योर प्ले माना जाता है और वो है अनंत राज इंडस्ट्रीज। अगर आप स्टडी करें तो आपको मालूम चलेगा एक 6 महीने में करीब 70% चला है ये, क्योंकि डेटा सेंटर का कारोबार ऐसा होता है कि इससे बड़ी वैल्यू मिलती है। और आज जो रिलायंस की खबर आई है इस पर एंटर करने की और डेटा सेंटर मुंबई में और चेन्नई में शायद लगाना चाहते हैं, इसके चार्ट पे इसके स्टॉक पे थोड़ा असर देखा जा सकता है। चार्ट देख के बताएं अनंतराज इंडस्ट्रीज। कपिल टेक्निकली हम एक थियरी फॉलो करते हैं जिसको हम कहते हैं कि मीन रिवर्सल थियरी। तो इसमें क्या होता है कि काफी बार स्टॉक अपने एक मूव करता है, बाद में मूविंग एवरेज के पास में आता है और वहां से फिर से हमें एक बाउंस देखने मिलता है। तो अनंत राज इंडस्ट्रीज का भी काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि ट्रेंड तो ऑफकोर्स इसका काफी स्ट्रॉन्ग ही रहा हुआ है और जो काफी सालों पहले के भी जो इसके हर्डल लेवल हुआ करते थे 163 की यहाँ पे, और ये हर्डल की मैं बात कर रहा हूँ 2009-2010 की यहाँ पे, तो 163 का लेवल भी उन्होंने यहाँ पे काफी इजीली ब्रीच किया हुआ है वन वे। तो एक काफी बढ़िया स्ट्रेंथ ये इंडिकेट कर रहा है और लोअर टाइम फ्रेम में भी पिछले एक दिन से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया, तो उस सेलिंग प्रेशर के चलते हुए स्टॉक अपने जो मीन रिवर्सल मूविंग एवरेज है वहां पे आके रुका हुआ है। हालांकि अभी कुछ रिवर्सल साइन हमें नहीं देखने मिले हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहा है और इसके जो इमीडिएट पहले के लोअर टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट लेवल हम देख रहे थे वो 187 पे ही है। तो कुल मिला के स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर तो यहाँ पे पॉजिटिव ही लग रहा है और यहाँ से हमें काफी अच्छी बढ़ोतरी भी देखने मिल सकती है। और ये एक डेटा साइंस का सेंटर का जो एक बहुत बड़ा ही सेगमेंट अभी इवॉल्व हो रहा है, तो स्टॉक प्राइसेस में और भी एक बहुत अच्छी मोमेंटम हम लॉन्ग टर्म में देखने मिल सकते हैं। लेकिन इन अ शॉर्ट टर्म ये एक बाय का बैट रहता है और नीचे में 180 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं और फ्रेश पोजिशन भी एड कर सकते हैं। ये तो बात रही अनंत राज की। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों के ऊपर नजर डाल लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी दिखाइए किधर ट्रेड कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी में भी एक बहुत बड़ी खबर आई है। आपको सबको पता होगा कि गिफ्ट निफ्टी जब से स्टार्ट हुआ है वॉल्यूम वहां पे करीब 18 पॉइंट नीचे है, ठीक है फ्लैट है, लेकिन वॉल्यूम्स वहां पे बहुत जोर से एक्सप्लोड किए हैं। इनफैक्ट $1 बिलियन का कारोबार हुआ था वहां पे पहले फर्स्ट फुल डे ऑफ ऑपरेशन। लेकिन कल का जो डेटा आया आपको हैरानगी होगी, $9 बिलियन के करीब का कारोबार हो चुका है। तो जिस ऑब्जेक्टिव से 90% टर्नओवर SGX का सिर्फ SGX निफ्टी से आने लगा था एक टाइम पे, मतलब एसेट यहाँ का, देश यहाँ का, बेंचमार्क यहाँ का, टर्नओवर उस एक्सचेंज को मिल रहा था, अब वो इधर मूव करता हुआ नजर आ रहा है और आपको दिखाई दे रहा है $9 बिलियन का टर्नओवर। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और मुनाफे का फंडा ले लेते हैं। गिरीश सुधानी हैं। गिरीश, क्या स्टॉक्स लेके आए आज आप मुनाफे के फंडे में? आज दो स्टॉक कैरी कर रहे हैं, एक है टाटा मोटर्स। बेसिकली रिजल्ट के ऊपर तो एक नजर रहेगी हमारी,
अपार्ट फ्रॉम दैट इसके जो एक कम्प्लीटली इको सिस्टम्स का जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर काफी नजर रही है, क्योंकि रिसाइकलिंग स्क्रैप बिजनेस में ऑलरेडी एक नई फैसिलिटी इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है। अपार्ट फ्रॉम दैट JBL के जो नंबर्स आएंगे वो थोड़े से फोकसेबल में रहेंगे, तो इसके लिए हम लोगों का टारगेट जो है वो 700 का एक रेंज रखना चाहते हैं टाटा मोटर्स में, बिकॉज फर्दरली डेवलपमेंट्स काफी हैं, नए प्रोडक्ट लॉन्चिंग्स भी रहेंगे, तो जो सेल्स प्रपोजिशन है उसके ऊपर एक्सपेक्टेशन हमारी काफी हाई चली जाती है इसके ऊपर, इसलिए हम 700 का एक टारगेट रख रहे हैं। दूसरा जो स्टॉक मैं कैरी कर रहा हूँ दैट इज Zydus Life। Zydus Life अपने खुद के फर्दरली एक्सपांशन मोड के ऊपर काफी काम कर रहा है, इन्होंने रिसेंटली माई लैब्स के अंदर अपना एक स्टेक बाय करा है, इनका जो USFDA का जो इंस्पेक्शन चल रहा था वो कंप्लीटली क्लियरली बाय आउट निकला है। अपार्ट फ्रॉम दैट नए प्रोडक्ट लाइन ऑलरेडी इन अ फ्लो में है एंड जो रिजल्ट एक्सपेक्टेशन है उसमें भी हम करीबन 25% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनके अंदर, तो आगे जाकर कहीं पे भी ये लेवल्स मुझे काफी इजीली अचीव होते दिखाई देते हैं, तो 680 का एक टारगेट रख सकते हैं 6 महीने के टाइम फ्रेम के। ठीक है, Zydus Life और टाटा मोटर्स को लक्ष्य ने आज टेक्निकल लिहाज से शॉर्ट करने की सलाह दी थी, लेकिन यह है कि देखिए दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, इन्वेस्टमेंट अलग है, ट्रेडिंग अलग है, तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके लिए शॉर्ट की रणनीति, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बनाना है तो टाटा मोटर्स को खरीदने की सलाह है 700 के लक्ष्य के लिए। और एक खबर आज, गिरीश बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये दो बेहतरीन शेयर हमारे दर्शकों को बताने के लिए, लेकिन लक्ष्य आपसे ही जानना चाहेंगे मारुति पराधी जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 10,000 रुपये का लेवल जब से इसने पार किया शेयर थोड़ा सा साइडवेज हो गया है, लेकिन कल खबर आई है कि इन्होंने एस्प्रेसो और इको इनके दो मॉडल्स हैं इनके 87,599 यूनिट्स रिकॉल की हैं, और ये जो कारें बनी थी 5 जुलाई 2021 से लेकर 15 फरवरी 2023 के बीच बनी कारें रिकॉल की गई हैं। मारुति में कोई आप मूवमेंट देख रहे हैं, क्या करना चाहिए शेयर में? फिलहाल तो मारुति का शेयर साइडवेज लग रहा है और यहाँ पे 9500 पे सपोर्ट है और आपका करीब 9900 के आसपास रेजिस्टेंस है, जब तक इसे रेंज को ब्रेक नहीं करता कुछ खास यहाँ पे मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा है, और ये हायर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है तो ये दिखाता है कि यहाँ पे और अपसाइड आ सकते हैं, लेकिन कुछ गुड न्यूज का वेट कर रहा है शायद स्टॉक, तो 9500 जब तक होल्ड कर रहा है तो बैड न्यूज का इम्पैक्ट आप मान लीजिए कि कुछ खास नहीं है, और अगर उसके नीचे हम जाते हैं तब यहाँ पे आपको करीब 400 पॉइंट 9100 तक के लेवल दिखेंगे, तो फिलहाल के लिए तो साइडवेज स्टॉक है और 9500 और 98 अप्रोक्सीमेटली जो लेवल है उसके बीच में ये चलेगा, और उसके किसी भी साइड जाता है तो आपको 300 से 400 पॉइंट का इजी मूव मिलेगा। ऑल राइट, ये तो बात रही मारुति सुजुकी पे, लेकिन ऑटो कंपनीज पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आज बड़े नंबर्स भी आने हैं, बजाज ऑटो के नंबर्स आने हैं, टाटा मोटर्स के नंबर आने हैं, और इनफैक्ट HSBC ने एक रिपोर्ट भी निकाली है जिसमें उन्होंने कई सारी ऑटो कंपनीज पर एक व्यू दिया है। इनफैक्ट स्पेशली टू व्हीलर्स की बात कहें तो उन्होंने बजाज ऑटो को तो डाउनग्रेड किया, लेकिन वो कहते हैं कि टू व्हीलर स्पेस उन्हें पसंद जरूर है, लेकिन वो प्रेफर करेंगे TVS और हीरो मोटो को ओवर बजाज ऑटो। एक बार विनोद से समझ लेते हैं, विनोद टू व्हीलर स्पेस इनफैक्ट हमने देखा है बजाज ऑटो के आज नंबर्स भी आने हैं, एक तो ये रीजन भी रहेगा जिस स्टॉक को डिस्कस हम कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आपने इस रिपोर्ट को पढ़ा हो टू व्हीलर स्पेस में यहाँ पर क्योंकि बजाज ऑटो के लिए चाहे ओवरसीज बिजनेस थे वो अच्छे हैं, उनके इंटरनेशनल लॉन्चेस दिख रहे हैं, आप बजाज ऑटो या इस पूरे प्रेफर्ड स्पेस में टू व्हीलर स्पेस में कौन सी आपकी प्रेफर्ड बेट रहेगी? या डेफिनेटली ओवरऑल जो ऑटो ये टू व्हीलर का जो स्पेस है थोड़ा लेगार्ड रहा है कंपेयर टू अदर्स, हमें चाहे पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें कमर्शियल व्हीकल की बात करें, लेकिन अगर मैं ये बिटवीन तीन कंपनी जैसे आप बता TVS मोटर्स हीरो मोटर्स बजाज ऑटो ये तीनों की बात करें तो मुझे लगता है कि ये तीनों में अच्छी खासी पोटेंशियल है, क्योंकि ये तीनों के अगर लॉन्चेस देखें रिसेंट मंथ्स में काफी अच्छे रहे हैं और लॉन्चेस यहाँ से भी बेहतर होगी। हीरो मोटर्स और बजाज ऑटो ये दोनों के अगर लास्ट मंथ देखे तीन दोनों ने भी लॉन्च की है, और ये सीधा जो कॉम्पीट अभी ये जो करना चालू किया सीधा एसर मोटर से कॉम्पीट करना चाहे एवं 400 cc के सेगमेंट में, राइट, तो मुझे लगता है कि चूंकि वो एक सेगमेंट है जो हाई मार्जिन भी है प्रोडक्ट भी होता है और जिसके वजह से आई थिंक नंबर्स में इनके अच्छी खासी बेहतरी दिखने के चांसेस है। इन टर्म्स ऑफ अगर वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन तीनों में अलग अलग वैल्यूएशन, अगर TVS मोटर्स की बात करें तो TVS मोटर्स में अमंग ऑटो टू व्हीलर्स में आउट परफॉर्म किया जिसके वजह से देखिए इनका वैल्यूएशन जो अभी 24/25 का अर्निंग्स में जो चल रहा है, एट द सेम टाइम बजाज ऑटो 16x एंड हीरो मोटर्स अराउंड 15x, राइट, तो दिस वैल्यूएशन में ये क्लियरली क्लियर कट लगता है कि हीरो के पास आई थिंक वो थोड़ा सा अगर वॉल्यूम में अच्छा दिखाएगा चूंकि बैलेंस शीट ये सब काफी कंपेयर्ड टू हीरो कैन डू
बेटर हेयर ऑन राइट. तो मुझे लगता है कि ऑटो में अगर मैं बात करूं तो मेरा आई थिंक इन्वेस्टर शुड लुक एट दिस कंपनीज राइट, आई मीन हीरो मोटर्स फॉलोड बाय यू नो आई मीन बजाज. चलिए आगे बढ़ते हैं. अक्षय मैं आपसे कहूंगा कि आप ONGC ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ऑयल इंडिया इनके चार्ट्स और एफएनओ डेटा एक बार आप चेक करके रखें, क्योंकि मैं इसमें पोटेंशियल ट्रेड ढूंढ रहा हूं. एक क्यों ट्रेड ढूंढ रहा हूं मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले सौमित सरकार हमारे साथ हैं. क्रूड ऑयल में काफी कुछ हो रहा है, सिर्फ भाव ऊपर नहीं आ गया क्रूड ऑयल का, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की है वो भी अच्छा रिबाउंड किए हैं. तो इस समय हमारे साथ सौमित है उसका ब्यौरा देने के लिए, उसके बाद मैं जाऊंगा अक्षय के पास ट्रेड लेने. बट सौमित आप बताइए क्या एक्शन हो रहा है. तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए एक्चुअली दो तरफी बातें हैं. पहले तो जो पॉजिटिव साइड में वो ये है कि जो सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है वो करीब $8.48 पे चल चुका है. अब मई के लोज अगर आप देखेंगे तो $0.9 पर बैरल था, वहाँ से लेके अब ये $8.48 पे चल चुका है. काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट प्राइसेज है, पेट्रोल डीजल ATF प्राइसेज अगर आप देखेंगे तो 16-month हाई पे चल रहा है. तो ये थोड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है. बट नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल प्राइसेज जो है वो $83 पे चल चुके हैं. पिछले 4 हफ्ते से कंटिन्यूसली क्रूड ऑयल प्राइसेज बढ़े जा रहे हैं और 10% की ग्रोथ प्राइसेस में हमें अब तक देखने को मिली है जुलाई मंथ में, जो कि हाईएस्ट प्राइस इंक्रीज है मई 2022 से लेके अब तक. अब अगर आप देखेंगे तो ये क्रूड ऑयल प्राइसेस जब बढ़ते हैं और रिटेल फ्यूल प्राइसेस की पेट्रोल और डीजल इनके भाव अगर चेंज नहीं होते तो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि उनकी ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन जो है वो कम हो जाती है. और ईयर टू डेट अगर आप देखेंगे तो जो भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में रनअप हमें देखने को मिला था वो इसी कारण था, क्योंकि ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन जो था ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का वो काफ़ी रिकॉर्ड लेवल पर था. बट चूंकि अभी जुलाई महीने में हमें इतना ग्रोथ देखने मिला है प्राइसेस में, उसके वजह से अगर आप देखेंगे तो जो ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन है वो लिटरली हाफ हो चुका है. पेट्रोल पे 13.7 रुपीज़ पर लीटर का पहले मार्जिन था वो अब 6 रुपीज़ का हो चुका है, और डीजल पे अगर आप देखेंगे तो 9.1 रुपीज़ पर लीटर का था वो 2.1 रुपीज़ पर लीटर हो गया. अब इसके कारण सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है HPCL को, क्योंकि उनके EBITDA पे मार्केटिंग बिजनेस का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा है, फॉलोड बाई BPCL और IOCL. अब पॉजिटिव साइड में अगर हम देखें तो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन जो बढ़ चुका है ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होता है प्योर प्ले रिफाइनर्स के लिए, जैसे कि MRPL और चेन्नई पेट्रो के लिए, और उसके बाद आते हैं रिफाइनिंग हैवी कंपनीज जैसे कि IOCL और BPCL के लिए. ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन बढ़ना HPCL के लिए थोड़ा कम पॉजिटिव होता है. अब अगर आप देखेंगे तो प्रति $1 प्रति बैरल से अगर GRM बढ़ जाता है तो MRPL का जो रेवेन्यू इंक्रीज होता है वो करीब 700 करोड़ से होता है. चेन्नई पेट्रो का EPS करीब 32 रुपीज़ से बढ़ जाता है, जो कि करीब 13-14% हो जाता है हाइक. और IOCL BPCL और HPCL के हम देखें तो 14-16% EPS ग्रोथ देखने मिल सकता है बिकॉज ऑफ हायर GRMs. और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो कंसोलिडेट बेसिस पे 4-5% से EPS बढ़ सकता है GRM ज़्यादा होने के कारण. थैंक्स फॉर दैट सौमित. बताइए अक्षय कैसे ट्रेड करेंगे. ये ढेर सारी जानकारी जो सौमित ने दी, आप हमारे लिए बताइए ट्रेड क्या बन रहा है, रिलायंस में, OMCs में या ONGC में, लॉन्ग या शॉर्ट साइड. पहले ONGC की मैं अगर बात करूं तो ONGC का जो टेक्निकल सेटअप है बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बढ़िया सेटअप है. इसने जो May 23, 2023 की जो हाई थी उस वहां से इसने एक पावरफुल ब्रेकआउट स्टेज करा था कल के ट्रेडिंग सेशन में, जो 168-169 के स्तर पे देखा गया था. तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और ये स्टॉक ऊपर की तरफ आपको 178 का मीडियम टर्म, जो हालांकि 10 से 15 दिन होल्डिंग का टारगेट बनेगा, तो 178 से 180 तक इसका टारगेट है. आप इसमें बाय बना के चल सकते हैं ONGC में. ये ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो 166 का रहेगा. नाउ मूविंग ऑन टू ऑयल इंडिया, अगर ऑयल इंडिया का चार्ट पैटर्न देखें तो कल एक हल्का सा एक नेगेटिव डेवलपमेंट हुआ है रेजिस्टेंस पे, तो इसको हम अवॉइड करना चाहेंगे क्योंकि टेक्निकल पैटर्न पे एक रेजिस्टेंस पे हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग या मुनाफा वसूली देखने को मिला है. तो ऑयल इंडिया में कोई खास ट्रेडिंग वाला सिनेरियो नहीं बैठ रहा है. पर आप अगर HPCL का ट्रेडिंग पैटर्न देखें तो वहां पे एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न बन रहा है HPCL में. हालांकि ये पोजिशनल ट्रेड रहेगा क्योंकि ये एक फिलहाल शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन मोड में है. तो हिंद पेट्रो को आप अगर 10 से 15 दिन के ट्रेड से कंसिडर करेंगे तो इसमें एक डेरिवेटिव्स में भी एक एक्यूमुलेशन या बाइंग पैटर्न बन रहा है, जहां 300 और 290 के स्तर पे बाइंग हो रहा है, एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा है. तो ये रेंज में आप अपने ट्रेड्स को बिठा सकते हैं, बाय कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 282, और इसमें आप टारगेट 320 से 325 का बना के चल सकते हैं फॉर द अगस्त मंथ. ओके ठीक है. और राइट, तो आप तो HPCL को बाय करने की आप बात कर रहे हैं. ठीक है, देखना होगा ये ऑयल मार्केटिंग, ऑयल प्रोड्यूसर्स और इन पर, ऑयल रिफाइनर्स इन पर आज कैसा
सेटअप दिखता है देखने के लिए। लेकिन बढ़ेंगे आगे, हमारे साथ अब कुछ बोरा भी हैं पैनल पर आज की स्ट्रैटेजी बताने के लिए। कुछ आपके पास आते हैं, लेकिन क्विकली एक बार पूजा से एक्शन स्टॉक्स समझ लेते हैं, एक रीकैप ऑफ द मेन स्टॉक्स। पूजा बताएं। जी आज एक्शन दिख सकता है एलएनटी के स्टॉक में। आज कंपनी की बोर्ड की बैठक होगी और यहाँ पर स्पेशल डिविडेंड और बायबैक को लेकर चर्चा हो सकती है, तो इस पर आप नज़र रखिए। और ये कंपनी का पहला बायबैक होगा जिसका कि अनाउंसमेंट कंपनी करेगी, तो इसके चलते एलएनटी में आज एक्शन एक्सपेक्टेड है। पावर कंपनियों पर नज़र रखिए, एसजेवीएन यहाँ पर कंपनी को अरुणाचल प्रदेश से करीब 5000 मेगावाट से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स अलॉट हुए हैं, जिसमें कि आने वाले समय में कंपनी 50,000 करोड़ का निवेश करेगी, तो एसजीवीएन फोकस में रहेगा। और इसके अलावा टोरेंट पावर पर भी नजर रखिए, कंपनी अब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में एंट्री लेने जा रही है। और इसी के साथ कंपनी ने सूरत में 2 ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन और अहमदाबाद में 4 स्टेशन यहां पर सेटअप कर लिए हैं, तो पावर कंपनियां लगातार फोकस में हैं और लगातार खबरों के चलते आज भी इन पर नज़र रखिए। नतीजों पर बात करें तो आरती सर्फेक्टेंट्स का स्टॉक फोकस में रहेगा, नतीजे मजबूत आए हैं स्पेशली प्रॉफिट और मार्जिन के फ्रंट पर। मार्जिन में करीब 28% की बढ़त कंपनी ने दर्ज की है और मुनाफा 41% बढ़ा है कंपनी का। स्पंदाना स्फूर्ति के भी नतीजे काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं, घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी। और एसेट क्वालिटी की बात करेंगे तो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए दोनों में ही कमी देखने को मिली। ठीक है, शुक्रिया पूजा। तो एक्शन स्टॉक्स जहां पर बाजार खुलने के साथ ही आपको बहुत ही बड़ा एक्शन देखेगा इन शेयरों में, इन पर नजर आप गड़ा के रखिए। लेकिन क्या खबर है एक और शेयर जो आपके फोकस में होना चाहिए वो बताएंगे शरद। शरद बताइए। जी बिल्कुल, आईएफबी इंडस्ट्रीज फोकस में रहने वाले और यहाँ पे उनकी जो इंजीनियरिंग डिवीजन है उनको एक ईवी ऑर्डर मिल सकता है आने वाले दिनों में। और इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि जो कंपनी है उनके जो इंजीनियरिंग सेगमेंट है वहाँ पे वो नए नए एक्विजिशंस जो हैं इवेलुएट कर रहे हैं, वो भी इनऑर्गेनिक ग्रोथ के हिसाब से। और देखा जाए तो इस सेगमेंट में जो है फोकस जो है लोकलाइजेशन पे रहने वाला है और जो टू व्हीलर की जो ईवी थीम है उस पे जो है काम होने वाली है। ओवरऑल ऑलरेडी बड़े दिग्गज कस्टमर्स इस सेगमेंट में शामिल हैं जैसे कि टाटा मोटर्स, हीरो मोटर कॉर्प और मारुति। और स्टॉक देखे तो मार्च के लो से लगभग 19% भागा है और इक्वेरियस ने जो है मेंटेन बाय रेटिंग रखा है और लक्ष्य रखा है 1220 रुपये प्रति शेयर का। इसके अलावा जो है इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स भी आ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है कहना। सबसे पहला है जो कमर्शियल प्रोडक्शन है उनके वाटर मोटर मैन्युफैक्चरिंग की, वो जो है अगले महीने शुरू होने वाली है। और जो एसी की जो मोटर मैन्युफैक्चरिंग है वो दिसंबर एंड तक जो है कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। इसके अलावा एनुअल रिपोर्ट में भी जो है कंपनी ने कहा है कि टर्न अराउंड जो उनकी स्टील बिजनेस में देखी जा रही है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है। ऑलराइट, ठीक है, आईएफबी इंडस्ट्रीज पर आपके पास खबर है। ठीक है, शुक्रिया शरद ये खबर बताने के लिए। अब रुक करते हैं वमाक्षी का। वमाक्षी के पास एक बड़ी रिपोर्ट है जो बिग बोल्ड ब्रोकरेज है और ये स्टॉक इंपॉर्टेंट होता है। आइए वमाक्षी से समझते हैं। जी बिल्कुल, आज का बिग बोल्ड ब्रोकरेज है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पर। हम देख रहे हैं कि मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इन्होंने अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है ये स्टॉक पर। अपना टारगेट प्राइस भी इन्होंने 720 से बढ़ाकर 825 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली हाईलाइट कर रहे हैं कि सीजनैलिटी के बावजूद रिटेल एसेट क्वालिटी काफ़ी सुधरी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और कॉर्पोरेट जो ग्रॉस स्टेज 3 परसेंटेज है वो स्टेबल रहा है। ओवरऑल उन्होंने FY24 से लेकर 26 के EPS अनुमान को करीब 5-7% तक बढ़ाया है। उनका एक्सपेक्टेशन है कि री रेटिंग एक्सपेक्टेड है क्योंकि रिस्क परसेप्शन घटता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी अच्छी एसेट क्वालिटी कंपनी डेमॉन्स्ट्रेट करती जा रही है और मैनेजमेंट भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रही है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के साथ बातचीत कर रही है पोटेंशियल क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड के लिए। तो ओवरऑल इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा और टारगेट प्राइस बढ़ाकर 825 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। पीएनबी हाउसिंग पर मॉर्गन स्टैनली, पीएनबी हाउसिंग का स्टॉक लेके आए डॉक्टर साहब, इस स्टॉक के ऊपर बात करना जरूरी है। जल्दी से मैं लक्ष्य एक बार ले लेता हूँ। लक्ष्य पीएनबी हाउसिंग स्टॉक में चाल चलना शुरू, ओके लक्ष्य नहीं है कोई बात नहीं, किरण से ले लेते हैं। किरण, इसमें आपको कोई तेजी की किरण नजर आती है स्टॉक में पीएनबी हाउसिंग, ये देखिए अच्छी चाल चल रहा है। पीएनबी हाउसिंग की अगर हम बात करें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। डेली चार्ट के ऊपर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हाइट ऑफ हायर वाटर पैटर्न के अंदर पिछले 2-1 महीने से ट्रेड कर रहा है। जिस तरह से एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला था, स्टॉक 700 के आसपास ट्रेड कर रहा है।
ओवरऑल काफी अच्छा पैटर्न है, लेकिन करंट मार्केट प्राइस में चेज तो नहीं करने के कहूंगा, क्योंकि जो इसके मोमेंटम इंडिकेटर है ओवरबॉट जोन के अंदर है, तो कोई भी डिप आता है समय अराउंड 680-660 के बीच में तो वहां पे आप लॉन्ग कीजिएगा, अग्रेसिव स्टॉप लॉस आप 640 का मेंटेन कीजिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न डेफिनेटली हम 767-770 तक के टारगेट पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में देख सकते हैं, तो बाय ऑन डिप्स की यहां पे स्ट्रेटजी हमें रखनी चाहिए। ठीक है, पीएनबी हाउसिंग पर किरण का ये व्यू, लेकिन कुश को जोड़ लेते हैं हमारे एक और एक्सपर्ट, और फटाफट कुश से जानते हैं कि उनकी आज की ट्रेडिंग पिक्स क्या हैं। कुश, वक्त थोड़ा सा कम है, संक्षेप में बताइएगा। जी हाँ अभिषेक, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल, सीधे पिक्स से बात करता हूँ, पिक्स की बात करता हूँ, दो पिक्स है मेरी, एक एफएनओ स्पेस से, एक कैश साइड से। बजाज फिनसर्व, ये स्टॉक एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ पे आप देखें मोमेंटम बरकरार है, जो रेजिस्टेंस जोन से उनके ऊपर भी सक्सेसफुल है ट्रेड करने में, तो 1675-1695 के टारगेट्स के लिए बाय करें, 1635 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो मेरा दूसरा पिक है एंड्योरेंस टेक, इसके बारे में मैं अक्सर चर्चा कर चुका हूँ, सारे टारगेट्स हिट करके ये अभी भी अपने अप ट्रेंड में कंटिन्यू हो रहा है, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग थी बट बाइंग हुई है वहां पे भी, तो 1735-1770 के टारगेट्स के लिए बाय करें, 1675 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। कपिल, एक सवाल जल्दी से आपसे ले लेता हूं, जेके पेपर स्टॉक में काफी तेजी रही है, पसंदीदा स्टॉक है ट्रेडिंग कमेटी का, नंबर ठीक आए, मार्जिन एक्सपेंड किया है, ट्रेड बताइए कपिल, जेके पेपर 30 सेकंड्स। जी, जेके पेपर से बेसिकली ऊपर के लेवल से डिस्ट्रीब्यूशन बैच करके नीचे की मूव कर रहा है, और डेली चार्ट में भी सारी मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो अभी तो कुछ इसमें कुछ खास ट्रैक्शन हमें नहीं देखने मिल रहा है बाय करने के लिए, रुझान ओवरऑल नेगेटिव जैसा ही लग रहा है। ठीक है, तो ये जेके पेपर पे आपको रिकमेंडेशन मिल गया, अभी एक मिनट बाद आपको मार्केट खुलता हुआ दिखेगा। अगर आप फ्रीज लेवल चेक करना चाहते हैं तो निफ्टी आपको 700 के ऊपर ओपन हो रहा है, करीब 56 पॉइंट की तेजी है, और एक कल की टोटल गिरावट का ऑलमोस्ट 50% है। इसके अलावा कल सेंसेक्स में भी हल्की सी गिरावट थी, वो भी आज पूरी होती दिख रही है, 146 पॉइंट की बढ़त के साथ ये भी खुलेगा। रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी भी आपको 40,000 के ऊपर खुलने के पूरे पूरे चांसेस दिखा रहा है। आज जो निफ्टी के अंदर स्ट्रांग खुलने वाले कैंडिडेट हैं उसमें आपको दिखेगा, एक तो टाटा मोटर्स, इसके आज नंबर्स हैं लेकिन नंबर से पहले टिकरी भी 1% ऊपर है। फार्मास्यूटिकल की दो बड़ी कंपनियां सन फार्मा और सिप्ला भी शुरुआत में थोड़ी मजबूत खुलती हुई देखेंगे। तीन चार बैंकिंग काउंटर्स भी हैं ध्यान रखने वाले, जिस पे आप ट्रेड देख सकते होंगे, एक है आईसीआईसीआई बैंक, दूसरा एसबीआई और तीसरा एक्सिस बैंक, ये तीनों के पास करीब आधे आधे परसेंट के आसपास की मजबूती आज शुरुआत में आपको दिख जाएगी। आते हैं जरा निफ्टी के लूजर्स कौन कौन से शुरुआत में हो सकते हैं। मारुति ने जो रिकॉल किया उसका थोड़ा इम्पैक्ट आएगा, आधा परसेंट नीचे खुल रहा है। खैर, एडवांस डिक्लाइन के साथ आप जब ओपन चेक करके देखिएगा कि आपको ओवरऑल मार्केट कैसे दिख रही है, बड़े शेयर्स अलग और पूरा बाजार अलग है। इस समय 1200 प्लस शेयर आपको एडवांसेस के अंदर दिखे, 200 शेयर कमजोर हैं, यानी कि भले ही आपको निफ्टी के अंदर पॉइंट्स 32 दिख रहे हो लेकिन मार्केट ने जो गैप किया एडवांस और डिक्लाइन का वो बड़ा है, और ये शायद आज दिन भर में मेंटेन भी रखेगा, किसी तरह से अपने सपोर्ट्स को बचाने का पहला सिग्नल है जो आपके काम आ रहा है। 19,700 के आसपास आके निफ्टी ट्रेड कर रहा है, सेंसेक्स में 70 पॉइंट और बैंक निफ्टी करीब 150 पॉइंट ऊपर 46,000 के ऊपर आके कामकाज करते हुए। जल्दी से चेक करते हैं बाजार में खुलने के बाद निफ्टी के टॉप गेनर्स कौन कौन से बन रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प जैसे मैं शुरुआत में कह रहा था, टाटा मोटर्स भी आज ऊपर है, इसके अलावा नेस्ले भी आज शुरुआत में तेज है, यह एक मेटल की कंपनी है हिंडाल्को, करीब आधा परसेंट वो भी ऊपर है, और इसके अलावा अल्ट्रेक सीमेंट भी आज ऊपर है। बैंक के जो तीन शेयर्स मैंने आपको बताए थे, एक्सिस बैंक थोड़ा नीचे खिसक गया लेकिन एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक के पास अभी भी करीब आधे आधे परसेंट की बढ़त देखने को मिल रही है, ये 19,700 के आसपास हो सकता है, थोड़ा समय निकाले। जैसे हमने सुबह भी डेरिवेटिव के हिसाब से आपको बताया था, इंडाइसिस रेंज में रहने के चांसेस ज़्यादा हैं, ना सपोर्ट तोड़ेगा ना ही रेजिस्टेंस तोड़ेगा। जल्दी से चेक करते हैं आज के लूजर्स, आईटीसी ये डीमर्ज कर रहा है अपने होटल कारोबार को, कल भी पिटा, आज शुरुआत में 1% नीचे है। मारुति सुजुकी के पास ये रिकॉल किया, 87,000 गाड़ियाँ इन्होंने, आधा परसेंट नीचे है। थोड़ा क्रूड बढ़ा है तो एशियन पेंट बर्जर पेंट दोनों लाल निशान में आ गए हैं आज शुरुआत में। इसके अलावा कुछ आईटी कंपनीज आज सपोर्ट नहीं कर रही हैं, जैसे कि इन्फोसिस आज आधा परसेंट शुरुआत में नीचे हो गया, एसएल टेक, विप्रो, ये टेक महिंद्रा, इन सब में भी करीब आधे आधे परसेंट के आसपास का आपको नुकसान देखने को मिल रहा होगा। जल्दी से चेक करते हैं नेक्स्ट 50, वहाँ पे आपको दिखेगा ग्लैंड फार्मा, टॉरेंट फार्मा,
थोड़ा डीएलएफ डीएलएफ पे ध्यान दीजिएगा, ये 500 के नीचे है लेकिन शुरुआती बढ़त है, ये 500 के इर्द गिर्द जितना समय निकालेगा उतना मजबूत करेगा और जितना 500 से दूर जाएगा उतना कमजोर होता जाएगा। मैरिको के पास भी करीब 0.5% के आसपास की बढ़त है। आज लीडरशिप की कमी दिख रही है, अगर आप शुरुआत में देख रहे हैं ना, कोई भी शेयर ऐसा आपको नहीं दिखेगा जहां पे ये दिखेगा आइए लीडरशिप लेके जाने वाला है। आज आधे आधे 0.5% का सुस्त ट्रेड आपको मार्केट के अंदर शुरुआत में देखने को मिल रहा है, करीब 1450 शेयर अभी भी एडवांसेस के अंदर हैं। सीधा चलते हैं अभिषेक के पास जो आपको छोटे मझोले शेयर के बारे में बताएंगे और मेहमानों से कनेक्ट करेंगे। इस बीच हीट मैप में एक बार आपको और दिखा देता हूं, वो इसलिए दिखाना जरूरी होता है क्योंकि उससे थोड़ा विजुअली आपको पता लग जाता है कि बाजार की ओवरऑल पिक्चर कैसे दिख रही है। आप देख पा रहे होंगे ये टॉप 50 कंपनीज में से एक है, उसमें से दो कंपनियां ही आपको लाल निशान में दिख रहे हैं और दोनों पे क्रूड का इंपैक्ट है, BPCL और एशियन पेंट। ज्यादातर फार्मास्यूटिकल्स प्ले एक न्यूट्रलाइजर का काम करता है, बिल्कुल एक बैलेंस लेके आता है, वो आज शुरुआत में थोड़ा ऊपर आ गई है। कुछ कुछ बैंकिंग काउंटर्स और बजाज की दोनों फाइनेंस वाली कंपनियां आज आपको शुरुआत में अच्छी दिख रही होंगी। अभिषेक ठीक है, बाजार ने बढ़त के साथ शुरुआत की है लेकिन मिड कैप की अगर बात करते हैं तो नतीजों से शुरुआत कर लेते हैं। आरती सर्फेक्टेंट्स के नतीजे बहुत ही दमदार आए थे, शेयर 9% ऊपर खुला है। चेन्नई पेट्रो कमजोर नतीजे, शेयर के पिटाई हो रही है, 8.5% गिरावट पर शुरुआत हुई है और चेन्नई पेट्रो के पीछे पीछे MRPL में देखने की 5.5% के आसपास की कमजोरी इस शेयर में भी देखने को मिल रही है। कॉफी डे कल ये शेयर फोकस में था, कल कमजोरी थी, आज भी हम देख रहे हैं कि करीब 4% के आसपास की गिरावट इस शेयर में है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स भी 4% के आसपास की कमजोरी दिखा रहा है। शॉपर्स स्टॉप 2.5% कमजोर है और इसके अलावा अगर हम बात करें HSBC की रिपोर्ट आई थी ऑटो स्टॉक्स पर और उन्होंने TVS मोटर को अपने टॉपिक में बताया था टू व्हीलर में। TVS मोटर हम देख रहे हैं कि 1.25% की मजबूती पर यहां पर शुरुआत हुई है। ACC 1.5% ऊपर है। मणप्पुरम फाइनेंस में 2% के आसपास की तेजी है। लेकिन दूसरी तरफ SRF के नतीजों के बाद जो कॉमेंट्री आई थी, जो गाइडेंस आई थी, उसके बाद हम देख रहे हैं कि SRF का शेयर आज भी कमजोर है, 1.5% के आसपास की गिरावट इस शेयर में हमें देखने को मिल रही है। SBI लाइफ में भी कमजोरी है। आरती इंडस्ट्रीज ये शेयर भी थोड़ा सा कमजोर जरूर हमें दिख रहा है, लेकिन अगर हम दूसरी साइड पे बात करें तेजी वाले शेयरों में तो धनी सर्विसेज, 5 पैसा कैपिटल, अब यहाँ पर 6-7% के मूव्स हैं। श्रीराम प्रॉपर्टीज 5% ये शेयर ऊपर है। मंगलम सीमेंट 5.5% के आसपास की तेजी ये दिखा रहा है। पेपर स्टॉक्स की बात करें तो JK पेपर करीब करीब 4% के साथ इसने शुरुआत ऊपर की है। और गिरने वाले शेयरों की अगर हम बात कर लें तो DCM श्रीराम यहाँ पर 4.5% के आसपास की गिरावट है। पटेल इंजीनियरिंग एक तेजी दिखाने के बाद हम देख रहे हैं कि अब ये शेयर कहीं ना कहीं सुस्ती दिखा रहा है या फिर दायरे में फंसा हुआ दिख रहा है। 4% की नरमी यहाँ पर आज हमें दिख रही है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ये हाल है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और ट्रेडिंग आइडियाज ओपनिंग ट्रेड्स अपने सारे पैनलिस्ट से ले लेते हैं। शुरुआत करेंगे किरण से। किरण, ओपनिंग ट्रेड क्या होगा आपका, एक ओपनिंग ट्रेड? जिस तरह से हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा रिबाउंड हमने देखा है। 46,000 जो इसका एक ट्रेडिशनल सपोर्ट था उसको होल्ड करके रखा है। 46,000 के ऊपर जिस तरह से पुट राइटिंग भी हुई है, जब तक 46,000 होल्ड है जरा चांसेस के बैंकिंग सेक्टर या तो बैंकिंग स्टॉक के अंदर हम एक अच्छा खासा आप देख सकते हैं। सो हमारा प्रीफर्ड जो स्टॉक रहेगा वो ICICI बैंक रहेगा। ICICI में कंडीशनल बाइंग रहेगा हमारा, अभी 994 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जैसे ही 1000 का लेवल क्रॉस करता है मेरे हिसाब से लॉन्ग करके जाना चाहिए, तो कंडीशनल बाय 1000 के ऊपर आप लॉन्ग कीजिए। 1020 का हमारा टारगेट रहेगा, ऐसा स्टॉप लॉस जो हम मेंटेन करेंगे वो 990 मेंटेन करेंगे। कपिल, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा? जी, मेरा ध्यान यहाँ पे NMDC पे बन रहा है। NMDC का मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर देखता हूँ तो काफी अच्छा स्ट्रक्चर बना है और जस्ट मैं वीटिंग कर रहा था कि कुछ मुझे पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने मिले तो आज 0.1% से स्टॉक ऊपर है, तो एक बुलिश कंफर्मेशन ये स्टॉक बन रहा है। तो यहाँ पे रिस्क रेशियो भी काफी अच्छा बढ़ेगा, 111.80 रुपए पे चल रहा है तो सिर्फ 2 रुपए का यहाँ पे हम रिस्क ले सकते हैं और ऊपर में कहाँ ना कहाँ पे ये स्टॉक का हमें 115 से 116% की अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकती है। सो 3 से 4 दिन की अवधि के लिए NMDC का ट्रेड हम ले सकते हैं। ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? कुछ मेरी जो पिक है दैट इज GMDC। इस स्टॉक में हमने एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखा है, 2 दिन पहले इसमें ब्रेकआउट भी आया था, उसका फॉलो थ्रू भी हमें देखने मिल रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा अप मूव कंटिन्यू रह सकता है। ट्रेडिंग के लिहाज से लें तो 190 और 194 के दो टारगेट्स के लिए से बाय करें। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है आप 182 के करीब लेके चले। एक क्विक अपडेट भी दे दूं, कल कैनफिन होम्स हमने डिस्कस किया था, 865 के सेकंड टारगेट के लिए स्टॉक 900 के करीब ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मुनाफा वसूली कर ले, प्रॉफिट बुकिंग कर ले, नॉट अ बैड आइडिया।
एंड एंड्योरेंस टेक जो हमने आज सुबह डिस्कस किया था 1735 के फर्स्ट टारगेट के लिए वो हिट हुआ है, तो यहाँ पे 725 को अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के 1775 के सेकंड टारगेट के लिए एंड्योरेंस टेक अभी होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, एंड्योरेंस टेक 3% ऊपर। अक्षय, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? अब सीमेंट क्षेत्र में देखेंगे तो काफी सारे सीमेंट स्टॉकों ने अच्छा पिकअप किया स्टार्टिंग 5 मिनट में, तो यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट हम रिकमेंड करेंगे फॉर ट्रेडिंग। करीबन 8310 का रेट चल रहा है अभी, करंट रेट पे आप बाय कर सकते हैं। 8190 तक इसको स्टॉप लॉस बनाए इसमें, और टारगेट ऊपर में आप इसमें 8470 से 8500 तक बना के चल सकते हैं। जी हाँ, अल्ट्राटेक और कुछ ACC दूसरे सीमेंट स्टॉक्स में भी अच्छी बाइंग हो रही है, मेटल स्टॉक्स में भी अच्छी बाइंग हो रही है। JSW स्टील, टाटा मोटर्स अपने रिजल्ट के पहले मजबूत, 650 रुपये का भाव हो गया टाटा मोटर्स का, ज़बरदस्त दे दी। मैं एक बार SRF में कल ज़बरदस्त शॉर्टिंग हुई जिन्होंने मल्टी क्वार्टर स्लोडाउन की बात की। विनोद, और कौन से ऐसे PI इंडस्ट्रीज भी कमज़ोर हो सकता है क्या? ओके, विनोद नहीं है हमारे साथ। अक्षय, आप FNO साइड से बताइए, SRF में जो कल शॉर्टिंग हुई, डिलीवरी बेस्ड सेलिंग भी थी, PI भी FNO स्टॉक है, क्या उससे भी मंदी हो सकती है, करनी चाहिए? तो काफी सारे जो केमिकल सेक्टर देखेंगे वो काफी बीटन डाउन रहे हैं, और पूरा जुलाई मंथ वीक रहा है, और बहुत सारे स्टॉक बेस एरिया में ट्रेड हो रहे हैं। पर PI का अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो ऑलरेडी इसमें शॉर्टिंग है, पर यहाँ से एक शायद बेसिंग आउट पैटर्न बनाए, तो यहाँ से आप इसको शॉर्ट ना करिए, ये हमारी सलाह रहेगी। शायद थोड़ा टाइम लगे, कंसोलिडेट करे 3580 3620 के रेंज में, तो यहाँ एक बेस बना के ऊपर चले गए, तो शॉर्ट ना करे आप इसमें। जैसे ही मोमेंटम पिकअप होगा तो एक कंडीशनल बाय रखे इसमें, 3630 के ऊपर आप इसमें बाय पोजीशन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 3580, पर टारगेट थोड़ा लिमिटेड रखे ऊपर में 3670 से 3690 का। अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स के कल आए थे, उसके बाद हमने देखा कि कल तो सेलेक्टिव बाइंग थी, लेकिन आज सीमेंट स्पेस बेटर लग रहा है। आप अल्ट्राटेक को देखिए, ग्रासिम कई दिनों से चल रहा है, और कहाँ और पॉसिबल ट्रेड्स दूसरी जगह दिख रहे हैं, उसमें एक M&M भी दिख रहा है। HSBC की जो एक रिपोर्ट आई उसमें ऑटो कंपनीज की कई सारी कंपनियों की बात हुई है, M&M का कोई बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन M&M भी हम देख रहे हैं। और बिफोर द नंबर्स, बिफोर द रिजल्ट्स, ऑटो स्पेस में आप टाटा मोटर्स, M&M, बजाज ऑटो, हीरो मोटर, सभी में एक अच्छी मूव दिख भी रही है, तो क्या ऑटो एक अच्छी बेट हो सकती है आज के लिए? आप बताएं कपिल, क्या M&M पर आप बेट करेंगे आज के लिए, और या फॉर दैट मैटर टाटा मोटर्स पर भी आप राय दे सकते हैं? अभी सिर्फ 0.25% ही तेज है, और जिस तरह के नंबर्स पिछले कई क्वार्टर्स में आ रहे हैं, कैश फ्लो पॉजिटिव होने की बात की जा रही है, टाटा मोटर्स में एक ट्रेड बन रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल M&M का देखते हैं तो एक अच्छा सा मूव आया हुआ है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज टेस्ट करके ऊपर में भी मूव करा है, तो एक ओवरऑल ऑटो सेक्टर में पॉजिटिव मोमेंटम तो है ही, M&M में भी एक पॉजिटिव ट्रैक्शन हमें देखने मिल रहे हैं। टाटा मोटर्स में हम देखते हैं तो यहाँ पे भी एक फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट हमने देखा हुआ है, ऑल टाइम हाई को क्रॉस भी, जो प्रीवियस हाई थी उसको क्रॉस भी कर चुके, तो एक पॉजिटिव मोमेंटम तो है। अगर मैं ऑटो सेक्टर्स को अपनी प्रायोरिटी में डालता हूँ तो सबसे पहले एक हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉक आएगा, क्योंकि काफी अच्छा लेवल का बेस बना के प्राइस का एक पैन आउट हो रहा है, तो हीरो मोटोकॉर्प मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी, और उसके बाद में टाटा मोटर्स मेरी सेकंड चॉइस रहेगी। दोनों में एक बुलिश कंटिन्यूएशन साइन हमें देखने मिल रहा है, तो हीरो मोटोकॉर्प को भी बाय करेंगे आप, और टाटा मोटर्स को भी, लेकिन प्रिफर करेंगे टू व्हीलर स्पेस से हीरो मोटोकॉर्प। ठीक है, आयशर मोटर्स को भी एक बार व्यू कर लेते हैं, 3300 के ऊपर बना हुआ है, इस रिपोर्ट में बात की गई, होल्ड करने की सलाह दी 3300 के, यानी जो एक बड़ा फॉल अब तक जो आना था बिकॉज ऑफ द पॉसिबल एंटिसिपेटेड कॉम्पिटिशन, क्या उससे आयशर मोटर ने लोअर लेवल्स जो बनाए थे उससे नीचे नहीं गया यहाँ से, लेकिन बहुत बड़ी रिकवरी भी नहीं आई है। कुछ एक बार आयशर मोटर्स के चार्ट चेक करके बताएंगे, जिन लेवल से गिरना शुरू हुआ था वहां से दो या हार्डली 1.5% या 2% ही रिकवर हुआ अब तक। बिल्कुल, और देखिए एक रिकवरी अटेम्प्ट हुई है, हम ये कह सकते हैं कि जो यू नो लोस बने थे 3150 के आसपास, यू नो उस न्यूज के चलते फिर यहाँ पे एक स्टॉक ने एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है, बट अब ये थोड़ा साइडवेज चला गया है विथ नेगेटिव बायस, और जो इसके की एवरेजेस हैं उनके नीचे ट्रेड कर रहा है, सो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहना यू नो विल बी एडवाइजेबल। रेजिस्टेंस जो है ये बहुत ही करीब है, यू नो 3350 के जो लेवल्स हैं यहाँ पे इसके मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन्स बन रहे हैं, तो यू नो इसके ऊपर अगर निकलता है तब हम एक फ्रेश ट्रेड के लिए यू नो इसको व्यू करेंगे, बट अप अंटिल देन जो ये नेगेटिव कंसोलिडेशन है ये कंटिन्यू रह सकता है। नीचे में 3280 का जो लेवल है, इसी ने अगर यू नो पोजिशन ली हो लॉन्ग पोजिशन यू नो नीचे के लेवल से, तो 3280 के करीब अपना स्टॉप लॉस बना के चले, ऊपर 3350 के निकल यू नो एक बार पार कर जाएगा फिर हम इसमें एक फ्रेश लॉन्ग पोजिशन कंसिडर करेंगे। अप अंटिल देन फॉर मी दिस रिमेन्स इन अ नो ट्रेड जोन।
ठीक है, आयशर मोटर्स को होल्ड करने की सलाह है, अभी इसमें ट्रेड की कोशिश ना करें। लेकिन कपिल, सीमेंट में देखने की फलादी मजबूती है, अगर आप वायदा के गेनर्स को देखेंगे तो इंडिया सीमेंट ACC 2.5% के आसपास की मजबूती है, अल्ट्राटेक तो ऊपर है, निफ्टी को लीड कर रहा है। इन तीनों में से अगर लॉन्ग वाला कैंडिडेट अगर खोजना है तो आपको बेटर प्लेस्ड क्या लग रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया सीमेंट का हम देखते हैं तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप लार्ज कैप के स्टॉक्स के कंपेरेटिवली काफी अच्छे मोमेंटम में भी है। और ये जो इंडिया सीमेंट की खासियत ये है कि स्टॉक का जो एक मंथली सपोर्ट बैंड पे है, एक अच्छा सा जो 202 का लेवल का जो ब्रेकआउट हुआ था, हमने लास्ट टाइम देखा था, और वो जो 202 का लेवल का जो ब्रेकआउट था वो कुछ 6 से 8 हफ्तों का एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट था, तो वो अपनी नेकलाइन को भी टेस्ट करा और नेकलाइन 202 के लेवल को टेस्ट करके अभी कुछ एक ट्रैक्शन भी देखने मिल रहा है। तो इंडिया सीमेंट मेरा एक पॉजिटिव बैट रहेगा। 204 का नीचे में हमें स्टॉप लॉस देखने मिल सकते हैं, और जो इसके तकरीबन हाई जो नियर टर्म में हमने जो इसके हाई लेवल देखने मिले थे 230 के अराउंड में, वहां तक उसका एक अपसाइड पोटेंशियल हो सकता है। सो इंडिया सीमेंट विल बी द चॉइस। ठीक है, इंडिया सीमेंट पर ये व्यू। अक्षय, आप जरा डिफेंस वाले स्टॉक्स को देखिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अच्छी बाइंग हो रही है। अगर आप मिश्र धातु को देखिए, 3.5% के आसपास की तेजी वहां पर है, भारत डायनेमिक्स में भी 1.5% के आसपास की मूव्स हैं, मझगांव डॉक हर 100 रुपए पर हमारी नजर जाती है, और अब ये शेयर 2000 रुपए के आंकड़े को भी पार कर गया। अमेजिंग रैली, मतलब थमती हुई दिख नहीं रही है। तो क्या हम लगता ही नहीं रहा शिप, हम 1500 से लगातार 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, अब 2000, हम इस पर चर्चा लगातार कर रहे हैं। बट ये एक बात बताऊं मैं आपको कि अगर आपके पास ले रखा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ये ट्रेडर हैं इस पे तो चेज करने में केयरफुल रहना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए और स्टॉप लॉस लगा कर ही काम करिए। 3 महीने में अगर 3x हो जाए स्टॉक, 270% गेन। 2000 वाले जो क्लब है ना, स्पेशल क्लब जिसमें कि रिलायंस, टाइटन, एचयूएल जैसे शेयर हैं, उसमें मजबूत इज्जत दीजिए, अपन को चाहिए फुल इज्जत। इज्जत दे रहे हैं साहब, हम बिल्कुल इज्जत दे रहे हैं। और ये हमारे कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक, ये डॉक वाली कंपनी पहले थी नहीं, अब रिप्रेजेंटेशन का शुरू हुआ है, हालांकि इनका फ्लोट थोड़ा लो होता है, लेकिन हम बिल्कुल इज्जत दे रहे हैं। और बाजार बहुत थोड़ा सा वैल्यूएशन वाला फैक्टर रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे अजय वो, क्योंकि अब इतना इतनी जब जबरदस्त रनअप हो गई है तो वो थोड़ा कंसर्निंग एरिया हो जाता है। तो नहीं, बिल्कुल हो जाता है, तभी तो हमने कहा कि केयरफुल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा समय, कम समय में बहुत बड़े रिटर्न, ये थोड़ा सा केयरफुल रहने की एक तरह से एक संकेत होते हैं। आगे बढ़ते हैं, ITC पे फ्रेश शॉर्टिंग हो रही है, ITC पे फ्रेश शॉर्टिंग हो रही है। देखिए ITC का स्टॉक लेके आइए, कल ये देखिए डेज लो, हमने आपको एग्जैक्टली ये बात बताई थी कि डिलीवरी बेस्ड सेलिंग भी हाई थी, ऊपर से 42 रुपए सस्ता भी हो गया जाए, ये करीब 500 के करीब गया था ना, 499 के पास जाके थोड़ा सा, मतलब 500 के जस्ट पहले रुक गया। और जितना भी ये इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए माल चढ़ा था वो पूरा अनवाइंड होता हुआ नजर आ रहा है। अक्षय, डेटा क्या बता रहा है, नीचे कहां तक जा सकता है ये? तो ITC में जो एक क्रूशियल सपोर्ट बनेगा वो रहेगा करीबन 455 के करीब, 455-453, अभी 457 का रेट चल रहा है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए कोई भी बाइंग एरिया ढूंढ रहे हो तो वो रहेगा 453-455, वहां पे कुछ बाउंस बैक के संकेत दिख जाए तो तुरंत आप शॉर्ट टर्म बंप अप के लिए बाय कर सकते हैं। आज जो रिएक्शन है शायद कल का कैरी फॉरवर्ड है, जो काफी मुनाफा वसूली देखने को मिली थी 480-490 के स्तर पे, वापस ओवरऑल जो मैंने सुना थे ओवरऑल फंडामेंटल्स में तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, तो बाइंग आनी चाहिए इसमें। 455 पे आप बाय करने के लिए इसको टारगेट करें, अगर बंप अप हो तो आपको वापस ये 475 तक जल्दी ही अगस्त फर्स्ट वीक के अंदर देखने को मिल सकता है। तो स्टॉप लॉस ये ट्रेड में आप बना के चले करीबन 447 का, 447 ITC के लिए स्टॉप लॉस 456.80 रुपए पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है दिन के निचले स्तर पर। 3% गिरावट है, कल 4% ये शेयर टूटा था, तो दो दिन में तकरीबन ये 7% शेयर नीचे आ गया है ITC का, होटल कारोबार के डीमर्जर के ऐलान के बाद। अभी तो होना बाकी है, लंबा सफर तय करना है, उसके पहले देखना होगा कि शेयर की चाल क्या रहती है। अक्षय, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति हमसे साझा करने के लिए। कपिल, आपसे जरा जानना चाहेंगे, चेन्नई पेट्रो और MRPL देखिए, एक तरफ चेन्नई पेट्रो के नतीजे खराब आए हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि रिफाइनिंग मार्जिन ऊपर जा रहे हैं, तो एक बढ़िया ट्रिगर भी है लेकिन नतीजे खराब आए हैं, 8% ये शेयर टूटा हुआ है, 408 रुपए के भाव पर है। चेन्नई पेट्रो इस फॉल के बाद, आज बड़े गैप डाउन ओपनिंग के बाद, अब इसमें रणनीति क्या होनी चाहिए? चेन्नई पेट्रो का हम ब्रॉडर चार्ट देखते हैं तो लगातार 2007 से, तो ऑलमोस्ट 15 साल की हम हिस्ट्री देख रहे हैं यहाँ पे, तो 2007 से 15 साल से ये स्टॉक 485 या 470 के जो लेवल है वहां पे रेजिस्टेंस ले रहा है।
तो इस महीने भी जो भी इसका हाई बना हुआ है वो एग्जैक्टली 15 साल का जो रेजिस्टेंस लेवल था 467 470 के वहां से आके उसने स्टॉक ने रिएक्ट किया हुआ है। वीकली चार्ट में मैं देखता हूं तो स्टॉक का एक डिस्ट्रीब्यूशन पैच भी चल रहा है और आज तो एक ब्रेकआउट भी हमें ब्रेकडाउन भी हमें देखने मिला हुआ है। 403 के लेवल का एक सपोर्ट लेवल थे लेकिन अभी तक तो इसमें थोड़ी सी नर्वसनेस ही देखने मिलती है। 400 का लेवल जो है थोड़ा सा डिसिसिव रहेगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। एक दिन हम इसमें पॉज लेना चाहेंगे कि 400 के लेवल के यहाँ पे वो कैसे बिहेव करता है, उसके ऊपर क्लोज करता है या फिर नीचे क्लोज करता है। अगर उसके ऊपर ऊपर क्लोज करता है तो ये काफी एक अच्छा सपोर्ट लेवल होगा, लेकिन 400 लेवल के नीचे अगर क्लोज आ जाता है तो एक नेगेटिव डेवलपमेंट है इसके स्टॉक के लिए और बाद में इसके नीचे में हमें 370 के भी लेवल देखने मिल सकते हैं। तो हमें एक दिन का पॉज लेना होगा, 400 लेवल के इर्द गिर्द स्टॉक प्राइस कैसे बिहेव करता है तो उसको वॉच आउट करना होगा। ओके ठीक है, वॉच आउट करना होगा। ये तो हुआ रिफाइनरीज की बात, लेकिन एट द सेम टाइम एनर्जी पैक में रिलायंस की भी बात कर लेते हैं। वहां पर आपको 0.5% की तेजी दिख रही है आज, लेकिन रिलायंस पर पोस्ट द नंबर्स और नंबर से पहले जो एक मूव आ चुकी थी उसके बाद हमने वीकनेस का कई एक बड़ा रीजन रिलायंस से भी देखा, चाहे वो शुक्रवार की वीकनेस थी चाहे वो कल की वीकनेस थी। अभी फिलहाल रिलायंस में स्ट्रेंथ कितनी दिख रही है, कुछ एक बार रिलायंस के चार्ट चेक करके बताएंगे। मैंने कल भी यही कहा था कि जो यू नो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं और जो फंडामेंटल न्यूज हैं ये दोनों साथ में कोइंसाइड हुई हैं। जैसे यू नो स्टॉक ऑलरेडी ओवरहीटिंग टेरिटरी में चला गया था बिफोर द डीमर्जर एंड द रिजल्ट अनाउंसमेंट, तो वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल आना इसमें बनता था। तो यू नो एडजस्टिंग फॉर यू नो द डीमर्जर एंड देन द न्यूज, स्टॉक ने डिप करके यू नो जो इसका 200 डे मूविंग एवरेज है ठीक वहीं पर सपोर्ट लिया है। कल भी यू नो वहीं पे सपोर्ट लेके उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, आज हल्की सी पॉजिटिविटी है स्टॉक में। तो जब तक यहाँ पे 2450 से 2400 के जोन्स जो हैं ये प्रोटेक्टेड हैं, मेरे लिए ये रेंज जो है ये बाइंग की यू नो रेंज रहेगी। तो ओवरऑल मुझे सेटअप इसका अभी भी ठीक लग रहा है, यहाँ पे आप यू नो बिल्कुल बाइंग करके चल सकते हैं। शार्प फॉल आई थी उसकी वजह से एंट्री पॉइंट आपके लिए यहाँ पे अच्छी हो रही है, दैट्स हाउ आई रीड इट राइट नाउ। तो ओवरऑल मुझे रिलायंस अच्छा लग रहा है। ऑन द अपसाइड आप यहाँ पे देखें 2560 यू नो ये आपके लिए पहला टारगेट रहेगा, 2600 ये आपके लिए दूसरा टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस अगर आप यहाँ लेते हैं तो 2450 के हिसाब से लेके चले, बट ध्यान रहे ये ट्रेडिंग लेवल्स हैं। ऑन दी होल मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यू नो ये डिप जो है बिल्कुल एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर साबित होगी। प्रियंका आप देखिए ना, रिलायंस कल कल्प्रिट था बाजार को दबाने, हाँ, दोनों दिन से शुक्रवार को भी और सोमवार को भी, करेक्ट, लेकिन आज ये साथ दे रहा है और आईटी जो कल स्पार्क्स ग्रीन के आने लगे थे पूरा नेगेटिव हो रहा है आईटी। करेक्ट, इनफैक्ट मैं कुछ से जानना चाहूंगा, कुछ इन्फी टीसीएस टेक महिंद्रा परसिस्टेंट इन नामों में जो आज थोड़ा कमजोरी दिखा रहे हैं, आप किसी नाम में इंटरेस्टेड है लेने में या आप नहीं छुएंगे अभी? So, अगर मैं एक ब्रॉड व्यू पहले दूं इस पे तो ये कि मुझे अभी भी आईटी बाय ऑन डिप्स लग रहा है। यू नो रिजल्ट्स आए थे उसके पहले भी मेरा व्यू यही था, अभी भी यही है। हालांकि यू नो कुछ कुछ पॉकेट्स में देखे तो मिक्स्ड बैग रहे हैं, लार्जली नेगेटिव, लेकिन अगर मैं सारे स्टॉक्स देखूं तो इन्होंने अपने जो सपोर्ट जोन्स हैं उनको बिल्कुल होल्ड किया है। कहीं ना कहीं हमने निचले स्तरों पर इनमें बाइंग बिल्कुल आते हुए देखी है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। हो सकता है कि आपको एक क्विक ट्रेड ना मिले, यू नो इट मे नॉट बी लाइक अ क्विक 5-10% काइंड ऑफ अ रन अप, लेकिन स्लो स्टडी अगर आप यू नो पेशेंस के साथ इसमें रुक सकें तो आई थिंक मोस्ट ऑफ दीज स्टॉक्स विल टर्न आउट टू बी यू नो अ पॉजिटिव ट्रेड एटलीस्ट इन द नेक्स्ट यू नो मंथ यू नो और थ्री। अब यहाँ पे अगर मैं यू नो स्टॉक्स पिक की बात करूं तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इन्फोसिस एक यू नो अच्छा कैंडिडेट बन रहा है पिकिंग के लिए, और उसका रीजन देखिए बहुत सिंपल है। रिजल्ट के दिन पे जो लो बना था वो अभी भी होल्ड किया है, इनफैक्ट वहां से हम थोड़ा ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जो सेलिंग आनी थी वो आ चुकी है ऑन द रिजल्ट डे, और वहां पे जो एब्जॉर्ब जो सारी सेलिंग थी वो एब्जॉर्ब होके स्टॉक पॉजिटिव टेरिटरी में यू नो होल्ड कर रहा है कंपेयर टू दी लो दैट द स्टॉक हैड मेड ऑन दैट डे, सो 1300 के करीब का। तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग के लिहाज से, जैसा मैंने कहा पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से अगर लेना चाहें तो इन्फोसिस बाय करें, 1300 के थोड़ा नीचे 1290 के करीब अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। यहाँ पे पहला टारगेट आपके लिए 1360 और दूसरा टारगेट जो है 1390 का रहेगा। तो इन्फोसिस इवन दो यू नो इट्स गोइंग अ लिटिल साइडवेज, मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और दूसरा स्टॉक जो मेरे रेडार पे है वो है परसिस्टेंट, बट अगेन यहाँ पे दो दिनों की फॉल है तो मैं थोड़ा वेट करूंगा। किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो आप 4675 के स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड करें और थोड़े निचले लेवल्स पे मैं इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। सो आईटी फॉर मी राइट नाउ इज बाय ऑन डिप्स एंड इन्फोसिस इज अ स्टॉक दैट आई हैव ऑन माय रडार फॉर यू नो फॉर बाइंग। ठीक है, आईटी में गिरावट पर खरीदारी की सलाह है और इन्फोसिस रडार पर है कुश के। किरण आप जरा ना पेपर स्टॉक्स को देखिए, क्योंकि जेके पेपर के नंबर आए, नंबर काफी अच्छे थे, आय के फ्रंट पर, मुनाफे के फ्रंट पर मार्जिन थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन
ओवरऑल नंबर अच्छे थे, लेकिन अच्छी चीज़ में एक और भी थी कि 650 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं गुजरात का, इनका जो प्लांट है उसमें कुछ कुछ एक नई यूनिट लगा रहे हैं, कैपेसिटी एडिशन कर रहे हैं जीके पेपर। अब पेपर अगर हम जेके पेपर की बात करें तो ये शेयर चलानी है 307 रुपए के आसपास का, इसने अपना 52 वीक लो इसी महीने बनाया था और एक अच्छी खबर। अब कैसे देख रहे हैं आप जेके पेपर को, और क्योंकि हम बाकी शेयर भी चलते हुए देख रहे हैं, वेस्ट कोस्ट पेपर, मालू पेपर, स्टार पेपर, 2.5 से 3.5% तेजी वहां पर भी है, कहीं और नजर है आपकी या फिर जेके पेपर खरीदना चाहिए अभी? सो पेपर स्टॉक के अंदर जो हमारी नजर है वो स्टार पेपर पे, कहीं ना कहीं जिस तरह से हमें कंसोलिडेशन देख रहे थे, ये कंसोलिडेशन में हमने देखा था कि नीचे 50 डेज एंड 100 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके स्टॉक ट्रेड कर रहा था, कहीं ना कहीं मोमेंटम इंडिकेटर भी न्यूट्रल जोन से बुलिश जोन की तरफ जा रहे हैं, और जिस तरह से लास्ट वीक में हमने एक राइज देखा था, कल उसमें करेक्शन आया लेकिन कहीं ना कहीं वॉल्यूम ड्रिवन नहीं था, तो क्लियर कट एक जो डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हम कह सकते हैं वो इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर है, तो स्टार पेपर में आप ध्यान रखिए 175 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन हो जाता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम ऊपर में 190-195 तक की एक रैली देख सकते हैं, तो स्टार पेपर वुड बी द प्रेफर्ड चॉइस, 175 के ऊपर आप लॉन्ग करके जा सकते हैं, 169 एज अ स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और ऊपर में 195 के टारगेट्स हम देख सकते हैं जो 1 से 2 दिन में आ सकते हैं। अक्षय हमारे साथ है, अक्षय ये विक्स की जो फॉल थी प्रियंका ने भी मार्केट ओपनिंग के टाइम पे, अच्छा कुछ से बात कर लेते हैं, कुछ है इंडिया विक्स दिखाइए, खुलते ही लुढ़क गया है 10%, प्रियंका आपने बताया भी था 11 के नीचे खुलते ही था, इसका मतलब क्या है कुछ बाजार के हिसाब से? तो अजय देखिए विक्स एक्चुअली हम देखें तो काफी समय से यू नो परसिस्टेंटली ये 10-11 की जो रेंज है इसके आसपास ट्रेड कर रहा है। ऑन दी होल विक्स इज इन अ डाउन ट्रेंड एंड आई मीन इन अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आल्सो, अगर मैं इसे यू नो 2022 के बिगिनिंग से यू नो मैप करूं तो एक कंसिस्टेंट यू नो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है जिसको भी विक्स ने एक बार भी क्रॉस नहीं किया, सो आई एम टॉकिंग अबाउट अ ईयर एंड अ हाफ जहां पे विक्स एक परसिस्टेंट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अब देखिए इसके रीजंस बहुत से हो सकते हैं बट द फैक्ट इज दैट यू नो वी हैव टू लिव विद दीज लो लेवल्स ऑफ विक्स राइट नाउ। एक स्पाइक देखा था हमने इन द लास्ट वीक और सो जहां पे विक्स करीब 12 के करीब तक चला गया था, बट देखिए उसके पीछे 2-3 कारण है। पहला ये कि इस हफ्ते हम जानते हैं फेड का एक यू नो इवेंट है, ऑल्दो डिस्काउंटेड बट इवेंट के पहले थोड़ा सा स्पाइक अप विक्स में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, प्लस दिस वॉज अ वेरी रिजल्ट हैवी वीक, तो यहाँ पे बहुत से आपने नो बड़े रिजल्ट आते हुए देखे। अब रिजल्ट इज आउट ऑफ द वे, मोर और लेस फेड का जो डिसीजन है उसकी फैक्टरिंग ऑलरेडी हो रही है, सो इन रीजंस के चलते अगर आप देखें तो विक्स का कूल ऑफ होना बिल्कुल यहाँ पे लाजमी है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे विक्स को यू नो आप बिल्कुल मॉनिटर करके चलें, बट आई थिंक इट्स नाउ बिकमिंग मोर ऑफ अ नॉन इवेंट बिकॉज बहुत समय से ये यू नो बहुत लो लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। इसको थोड़ा अलग से अगर मैं रीड करूं एज अ पॉइंट ऑफ कॉशन तो ये कि यू नो टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड एंड यू नो विक्स हैज गॉन टू टू लो लेवल्स अब यहाँ पे, एंड दिस इज अ मल्टी ईयर लो लेवल जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो अगर थोड़ा सा रिबाउंड आता है तो मार्केट के लिए थोड़ा सा हो सकता है कि यू नो यहाँ पे नेगेटिव रहे, बट ओवरऑल मैं इसको मॉनिटर करूंगा, लेकिन जब तक ये 12 से 15 के जोन तक यू नो 12 को क्रॉस नहीं करता और देन 15 के ऊपर नहीं जाता तब तक मेरे लिए कॉज ऑफ कंसर्न नहीं रहेगा, दिस इज जस्ट बी एन इंडिकेटर दैट आई विल फॉर श्योर हैव ऑन माय रडार बट नॉट टू वरीड यू नो टिल इट क्रॉसेस 12 एंड देन सस्टेनेबली यू नो क्रॉसेस 15। ओके ठीक है ठीक है, इंडिया विक्स को वॉच करते हैं, लेकिन आप एक बैंड में वॉच करना चाहेंगे ठीक है, अभी तो फिलहाल 10% से ज़्यादा की फॉल आपको इंडिया विक्स पे दिखाई दे रही है। कल सारे लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स में जबकि मार्केट डिस्पाइट मार्केट की वीकनेस थी SBI लाइफ HDFC लाइफ जैसे काउंटर्स में मूवमेंट थी और तेज थे स्टॉक्स, आज HDFC लाइफ तो ऊपर है लेकिन SBI लाइफ थोड़ा नीचे है, क्या ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कपिल इस लेवल्स का या फिर और नीचे के लेवल्स मिल सकते हैं SBI लाइफ में, क्योंकि जिस तरह से लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स चल रहे हैं ये एक अच्छी पिक हो सकती है इस लेवल पे? जी नो डाउट इस पर्टिकुलर टाइम में SBI लाइफ एक फ्रंट लीडिंग था, लेकिन इसके बाद में हमने HDFC लाइफ में काफी अच्छी मोमेंटम देखी थी, ICICI प्रूडेंशियल में काफी मोमेंटम देखी थी, लेकिन कुछ एक राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग भी आया हुआ था। SBI लाइफ का कंसर्न ये है कि पिछले काफी टाइम से ये एक रेंज में ही चला हुआ है और जो 1300 इसके जो लेवल थे वो काफी बार हिस्टोरिकली भी 2 से 3 बार स्टॉक में मैंने प्राइसेस ने यहाँ पे रिएक्ट किया हो, तो वो एक अपर बैंड ऑफ कंसोलिडेशन पैच के यहाँ पे चल रहा है और पिछले 3 से 4 वीक से ये स्टॉक पूरे पूरा थम गया है और इन डेली चार्ट पे वो स्टॉक की काफी छोटी सी एक रेंज बन गई है और ये स्टॉक अभी उसके बीचों बीच ही ट्रेड कर रहा है, ऊपर में 1330 रुपया और नीचे में 1280 रुपया, और तो फिर ये रेंज का जहां पे भी कुछ एक ब्रेकआउट हमें देखने मिले तो वहां पे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट हमें देखने मिल जाएगा, तो मैं थोड़ा सा वॉच आउट करूंगा कि 1330 के ऊपर जाए तो वहां पे एक फ्रेश अपसाइड मोमेंटम हमें देखने मिल जाएगी, या फिर नीचे में 1280 और 1260 के लेवल के यहाँ पे आए तो वहां पे एक बाय अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि ये स्टॉक की रेंज में है तो रिस्क अवर्ड रेशियो काफी इक्वल पे ही आ रहा है, तो बेटर रिस्क अवर्ड रेशियो के लिए मैं इसके रेंज के एक्सट्रीम पे ट्रेड करना प्रेफर करूंगा। शिफ्ट करेंगे ठीक है,
ऑलराइट, तो ये तो ओपिनियन रही एसबीआई लाइफ पे, लेकिन आज का ऑप्शन का ट्रेड बताने के लिए हमारा खास सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन, आइए उसका रुख करते हैं। हमारे साथ आज अक्षय अरोड़ा है, उनसे बात करें। आदित्य हमारे साथ, आदित्य बताएं मॉर्निंग क्या ट्रेड है आपका आज का ऑप्शन का? वेरी गुड गुड मॉर्निंग प्रियंका, मेरा जो आज का स्टॉक रहेगा ऑप्शंस में वो रहेगा टाटा स्टील। पूरा मेटल्स पैक आप देखें तो आज बहुत बजरिंग है और इंटरनेशनल मार्केट में भी कॉपर और मेटल्स में अच्छा तेजी देखने को मिल रही है आपको। तो टाटा स्टील का अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में काम करेंगे हम, 115 का कॉल बाय किया जा सकता है 5.5 में, 4 रुपए का रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 8.5 से 12 का। इसमें मैक्सिमम लॉस जो आपका रहेगा वो रहेगा 7,700 पर लॉट और मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा आपका 35,700 और इसमें मार्जिन रिक्वायर्ड है 30,250। तो पूरे मेटल पैक पे मेरा बुलिश व्यू है, क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है एंड इवन मैं सबको रिकमेंड करूंगा मेटल में अभी ध्यान देना चाहिए क्योंकि पूरा ही पैक अच्छा चल रहा है और अच्छी तेजी के यहाँ पे आसार लग रहे हैं। ठीक है, टाटा स्टील हम देख रहे हैं कि आज मेटल स्टॉक्स में तेजी है, ऑप्शंस के थ्रू आपको ये प्ले करना है और आपको 115 वाली स्ट्राइक प्राइस में आपको पोजीशन बनानी है टाटा स्टील में, और उसके लिए जो आपका टारगेट और स्टॉप लॉस होगा, टारगेट है 8.5 से 12 रुपए का, स्टॉप लॉस 4 रुपए का, अधिकतम मुनाफा 35,700, अधिकतम जो नुकसान है वो 7,700 का, यानी कि अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखेंगे तो 1:5 का है ऑलमोस्ट। तो एक बढ़िया स्ट्रेटजी आदित्य की तरफ से टाटा स्टील के ऑप्शंस में। आदित्य बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन ऑप्शन के स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। जरा ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि JBM ऑटो, इसके अलावा जय भारत मारुति, 3-4% की तेज़ी इस शेयर में इन शेयरों में दिख रही है। और अगर हम स्टॉक्स देखें तो रामकृष्ण फोर्जिंग, यूनो मिंडा, ये कुछ और स्टॉक हैं जो स्पेस में चल रहे हैं, कुछ आप जरा व्यू दीजिए क्योंकि JBM ऑटो में 5.5% के आसपास के मूव हैं, ऊपर से थोड़ा सा नीचे आकर फिर से रफ्तार पकड़ रहा है, क्या व्यू होगा इस पर आपका? बाय ऑन डिप्स का व्यू होगा अभिषेक, ये स्टॉक हमारे रेडार पे भी अक्सर रहा है, मैंने भी इसको काफी बार रेकमेंड किया है एंड इट्स गेनिंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। एक बहुत ही क्लियर RSI डाइवर्जेंस था विच वॉज अराउंड 14 जुलाई का जो ट्रेड सेशन था उसके आसपास, और उसी के चलते हमने एक जो करेक्शन है स्टॉक में आते हुए देखा है, तो 1530 के जो लेवल्स हैं यहाँ से स्टॉक ने एक अच्छा खासा डिप दिया है 1350 के जो जोन्स थे यहाँ तक, बट ये एक सपोर्ट जोन भी था, एक गैप भी था जो फिल करना था और इसका जो 20 डे मूविंग एवरेज है वो यहीं पे प्लेस था। सो तीनों ही टेक्निकल पॉइंट्स के हिसाब से अगर मैं देखूं तो स्टॉक ने बिल्कुल सटीक करेक्शन दिया है और एक पिन पॉइंट जो लेवल होता है वहां से टर्न अराउंड होते हुए दिख रहा है, बाइंग इसमें फिर से लौटते हुए दिख रही है। तो एज आई सेड दिस इज लाइक अ प्रॉपर बाइंग ऑन डिप्स काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे आप बाय करके चले, जो इसका अप ट्रेंड है ये फिर से रिज्यूम होगा। मेरे लिए जो टारगेट्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं वो है 1480 का पहला टारगेट एंड 1530 जो इसने रिसेंट हाइज बनाए थे, ये मेरा दूसरा टारगेट रहेगा यहाँ पे। ऑन द डाउनसाइड जो स्टॉप लॉस है इसे मैं प्लेस करूंगा करीब 1380 के जो जोन है इसके आसपास, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, स्टॉक इज इन एन अप ट्रेंड और डिप्स में आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू री एंटर। ठीक है, JBM ऑटो गिरावट पर खरीदारी वाला शेयर है लेकिन हम ऑटो में भी आज तेजी देख रहे हैं, ऑटो इंसिलरी में तेजी है, टायर वाले शेयर भी दौड़ रहे हैं, आप JK टायर को देख लीजिए 2% के आसपास की तेजी है, सीट में 3% तेजी 2,500 रुपए के ऊपर फिर से ये शेयर निकला है। किरण, टायर में कहीं आपको मौके दिख रहे हैं कुछ फ्रेश लॉन्ग करने के लिए? अगर हम बात करें तो अपोलो टायर के ऊपर डेफिनेटली हम ध्यान रख सकते हैं, जिस तरह से 20 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ये स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, मल्टीपल बॉटम्स हम देख रहे हैं 412-410 के आसपास बनाए हुए, सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है करंट मार्केट प्राइस से, या तो फिर ऊपर में कंडीशनल बाय भी हम रख सकते हैं 420 का लेवल, जैसे 420 का लेवल क्रॉस होता है देन वी कैन सी अ शार्प रैली टुवर्ड्स 450, सो अपोलो टायर वुड बी द प्रेफर्ड चॉइस करंट मार्केट प्राइस से, या 420 क्रॉस करने पे हम एंट्री ले सकते हैं 450 के स्टॉक टारगेट के लिए, और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो रहेगा 408 का। देखिए मैं आपको JK पेपर से बताया था 6% ऊपर रिजल्ट्स के बाद का एक्शन है ये, इवन सुजलॉन जो बाजार का पसंदीदा स्टॉक है 21 रुपए के शगुन के नंबर पे आ गया है, शगुन वाला बिल्कुल, और 30 रुपए की तैयारियां इसमें शुरू हो गई हैं, लेकिन आपको इस पे तो ध्यान रखना ही है लेकिन आपको दूसरे एक स्टॉक के ऊपर ध्यान रखना है और वो है आइनॉक्स विंड जो उसका भाई है, लेकिन रिलेटिवली अगर आप कंपेयर करें आइनॉक्स विंड और सुजलॉन के भावों को तो ये चला कम है और अभी भी इनको एक बहुत बड़े
बड़े टर्बाइन के लिए एक ग्लोबल सर्टिफिकेशन मिला है, तो अब शायद इनके बड़े टर्बाइन 3 मेगावाट और ऊपर की के ऑर्डर आना शुरू हो सकते हैं, ऐसा बाजार का मानना है। लेकिन कंपैरेटिव चार्ट दिखा रहे हैं आप डायरेक्टर साहब, आइनॉक्स विंड वर्सेस सुजलॉन डायरेक्शन एक ही तरफ जा रहा है, ऑलमोस्ट एक ही तरफ। ये दोनों के चार्ट चेक एक बार चेक करके बताएं कुछ, आइनॉक्स विंड और सुजलॉन चार्ट क्या कहते हैं? जी हाँ, चले हुए नीचे के लेवल से, लेकिन चार्ट क्या आप बयान कर रहे हैं? सो फर्स्टली आई थिंक अजय आई हैव टू कंसीड कि सुजलॉन जब से आपने यू नो मेंशन करना शुरू किया है तब से ये हमारे रेडार पे, ट्रेडर्स के रेडार पे, इन्वेस्टर्स के रेडार पे आना शुरू हो गया है। वरना यू नो 14 से 15 तक का एक लेवल था जहां पे ये बार बार आके फिसल जा रहा था, तो दिस वाज अ स्टॉक जिसको हम लार्जली अवॉइड ही कर रहे थे। अब जो ये मूव है सस्टेन्ड यू नो लग रही है, ऑल्दो येस इट्स रन अप क्वाइट अ लॉट, बट अभी ये इस कैटेगरी में आ गया जहां पे इसको यू नो ट्रेडिंग के लिए कंसिडर किया जा सकता है। इट्स नो लॉन्गर अ रैली जो बस यू नो बार बार आती है और फिजल आउट हो जा रही है, तो ये एक अच्छा सस्टेन्ड मूव है। काफी समय से स्टॉक ने एक अच्छा खासा यू नो ये मूव जो है बरकरार रखा है। वॉल्यूम्स में आपने पिकअप देखा है जब से यू नो स्टॉक में अपमूव शुरू हुआ है, सो ये बहुत ही एनकरेजिंग साइन है। सो ओवरऑल यू नो मैं तो कहूंगा मेरे रेडार पे यू नो ये स्टॉक आपने ही प्लेस किया है। सो यहाँ पे देखिए, अगर मैं अपसाइड पे देखूं तो जिस तरीके का मोमेंटम है थोड़ा सा ओवरहीटिंग के करीब जा रहा है, बट अभी भी यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। यहाँ पे 22 और 2350 के जो ये दो टारगेट्स हैं ये आपके लिए एज अ नियर टर्म टारगेट एक्ट करेंगे। स्टॉप लॉस जो है मैं यहाँ पे प्लेस करना चाहूंगा 20 के जस्ट अंडर, व्हिच इज अराउंड 19.5 के पास। अब जहां तक आइनॉक्स विंड की बात है, देखिए स्ट्रक्चर ओवरऑल इसका बिल्कुल सिमिलर है टू सुजलॉन, अप मूव जो है कंटिन्यू है। कल के सेशन में हमने वॉल्यूम बैक ब्रेकआउट आते हुए देखा था, लेकिन मुझे एक छोटा सा टेक्निकल लिहाज से मैं देखूं तो एक कंसर्न ये लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ही क्लियर RSI डाइवर्जेंस यू नो हमें देखने को मिल रहा है। कल की जो मूव थी ये काफी अच्छी थी, वॉल्यूम बैक थी, उसके बाद भी यू नो RSI जो है ये पिछले हाई को नहीं क्रॉस करवाया था, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस रहूंगा। Only in terms of buying this on dips, you know, nothing else. तो अगर मुझे ये 200-205 के levels के करीब मिलता है तो यहाँ पे मेरा risk reward ratio you know favorable हो जाएगा, plus यहाँ पे जो ये dip है RSI divergence वाली ये भी complete हो जाएगी, तो मैं buy करूंगा इसे but on dips. In that case मेरा जो target है इसमें वो रहेगा immediately 225 का और second target 240 का, और stop loss जो है वो मैं इसको रखूंगा करीब 190 के करीब, जो इसका support zone था जहां से इसने resistance लिया था पहले और breakout दिया था, तो ये लेवल अब सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा। ये तो स्टॉक हो गए आपके रिन्यूएबल पावर के, लेकिन आगे बढ़ते हैं। दिनेश अग्रवाल CEO एंड फाउंडर इंडिया मार्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे कॉर्पोरेट चैट में और रिजल्ट्स के बारे में बात करने के लिए। अग्रवाल साहब गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चलिए आपके अर्निंग्स में जो पॉजिटिव है उनकी तरफ पहले नजर डालते हैं। आपका मार्जिन काफी मजबूत था 27% के ऊपर, क्या आपको इसके अंदर और गुंजाइश दिखती है मार्जिन इंप्रूवमेंट की जो आपने प्राइस हाइक्स लिए उनके उनके बल पे? जैसा कि मैंने पहले भी गाइड किया है, मार्जिन हम 28-30% का टारगेट करते हैं और अभी हम 27% पे हैं, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारे बिजनेस का नेचर ऐसा है, जो रेवेन्यू रिकग्निशन पॉलिसी ऐसी है कि रेवेन्यूज पीछे से फ्लो होते हैं डिफर्ड रेवेन्यू से, जबकि कॉस्ट पूरी अपफ्रंट लग जाती है, इसलिए मार्जिन में आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा फ्लक्चुएशन दिखता है, लेकिन फुल ईयर बेसिस पे हम 28-30% की तरफ गाइडेंस की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, एक और चीज़ समझना चाहेंगे आपसे मिस्टर दिनेश, क्योंकि ये जो प्राइस हाइक हमने देखा है, हालांकि मार्जिन्स को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, लेकिन आपके कहीं ना कहीं जो पेड सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें ज़रूर हिट करेगा और वो ऑलरेडी एक फॉलिंग ट्रेंड पर दिख रहे हैं, कि आपको लगता है कि ये जो रेंज होगी 7-8 हज़ार फॉलोअर्स की, सब्सक्राइबर्स की जो रेंज है वो कब तक अचीवेबल है? देखिए, हमने अभी मई के बीच में जो एंट्री लेवल प्राइस था 2,500 रुपये महीने का, उसको बढ़ा करके 3,000 रुपये महीने किया है, जो कि पहले प्री कोविड 3,000 रुपये महीने ही था। तो इसकी वजह से सेल्स टीम को और कस्टमर्स को थोड़ा बहुत एक दो क्वार्टर तक प्रॉब्लम आता है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अगले क्वार्टर ही हम 7-8 हज़ार पहुँच जाएंगे, अगले क्वार्टर से 6,000 की कोशिश करेंगे और उसके अगले क्वार्टरों से हम 7-8 हज़ार कस्टमर एडिशन की कोशिश करेंगे। ठीक है दिनेश जी, नमस्कार। एक और चीज़ है जिस पर आपसे ज़रा राय चाहेंगे, क्योंकि हम देखने की बिजनेस इंक्वायरीज़ हैं और वो भी थोड़े से स्थिर हो रहे हैं, थोड़ी सुस्ती वहाँ पर आ रही है, आप इसके पीछे की वजह बताएंगे कि आखिर क्यों ऐसी दिक्कत हो रही है? तो बिजनेस इंक्वायरी अगर आप देखें प्री कोविड से लेकर के और अभी के बीच में,
तो काफी बढ़ी हुई है, लेकिन जो FY21 और FY22 का डेटा है उसके अंदर अगर आप देखें तो क्वार्टर दर क्वार्टर कुछ ना कुछ परेशानियां रही हैं बाजार में, चाहे वो फूड शॉर्टेज को लेके हो, चाहे वो मेडिसिन शॉर्टेज को लेके हो, चाहे वो सैनिटाइजर मास्क को लेकर के हो, चाहे वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिलेंडर और ऐसी चीजों को लेकर के हो, बाद में कुछ यूक्रेन वॉर की वजह से भी शॉर्टेज हुई, शॉर्टेज कंप्यूटर पार्ट्स की भी हुई, तो इस वजह से जो शॉर्टेज वाला पीरियड था वो चूंकि अब चला गया है, इसलिए वो इंक्वायरियां खत्म हो गई हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल लोग आकर के इंक्वायरी डालते हैं, क्योंकि जब शॉर्टेज रहती है तो सभी लोग ढूंढ रहे होते हैं। अब आप देखें कि इवन विदाउट शॉर्टेज हमारा ट्रैफिक उतने पे मेंटेन्ड है और इंक्वायरीज उतने पे मेंटेन्ड है, तो जो अब सब सभी इंडस्ट्रीज में बराबर से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बिल्कुल सही बात है, अगर आप FY21 या FY22 से कंपेयर करते हैं तो थोड़ा डिप भी दिखेगा या स्टैग्नेंट भी दिखेगा, लेकिन अब अगर आप पिछले 3-4 क्वार्टर से देखें तो वो बराबर से अच्छी तरह से मेंटेन्ड है और प्री कोविड लेवल से करीब 20-25% ज्यादा है। ऑलराइट अग्रवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजार तो फ्लैट हो गया एकदम, अगर आप बैंक निफ्टी को देखें, निफ्टी फ्यूचर को देखें, तो आपको एकदम फ्लैट लाइन दिखाई देगी, जैसे कि कोई खास ट्रेड नहीं उभर के आ रहा हो। और ऐसे समय में ये जब विक्स ने एक बड़ा नॉक लिया है 10% नीचे, थोड़ा रिकवर हुआ है, रिकवर हो गया, थोड़ा सा रिकवर हो गया, ओके 1.5% रिकवर हो गया, तो इस पर नजर रखिए आप। लेकिन ट्रेड्स एक्चुअली बाजार के बाहर, इंडेक्स के बाहर है, मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में काफी अच्छे ट्रेड नजर आ रहे हैं। सीमेंट में आज एक सस्टेन्ड मूव है, छोटे मझोले सारे तरह के सीमेंट गेनर्स अगर आप लेके आए डेटे साहब तो आपको नजर आएगा, रामको हरे निशान में है, इंडिया सीमेंट, अल्ट्राटेक, ACC, सारे सीमेंट स्टॉक्स। ये बहुत बहुत ही मुझे अचंभा हो रहा है क्योंकि हम लोग बारिश के सीजन के एकदम मिडिल में, अब बारिश के सीजन में ये स्टॉक चलते नहीं है, बट ऐसा हो रहा है। ये लास्ट क्वार्टर अर्निंग्स पे दिक्कत ये भी है ना कि कहीं जहां बारिश हो रही है वहां अत्यधिक हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। और अगर आप यूपी में जाके देखिए, आप तो खैर लखनऊ से लौट के आए हैं, उतनी बारिश नहीं हो रही उधर, नहीं नहीं बहुत गर्मी थी, बट स्टॉक यूजुअली हमने देखा है कि ये बारिश के सीजन में शांत हो जाते हैं, बट इस बार आपको काफी अच्छा लगा है। हमारे तीनों पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, के कपिल, कुश और तीसरा कौन है, किरण, किरण, तीनों हैं। मतलब एक एक सीमेंट स्टॉक तीनों से ले लेते हैं या किसी एक से ले लेते हैं। सीमेंट में छोटे मझोले की तरफ जाएं या बड़े की तरफ जाएं, चाल शुरू हो गई है, 2-4% तेज है। कुछ आप ही बता दीजिए। वेल देखिए, एक स्टॉक जो मैं यहाँ पे यू नो रेकमेंड भी कर चुका हूँ, विच इज सांगी इंडस्ट्रीज, यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ न्यूज अराउंड इट आल्सो, लेकिन यू नो इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट अगर हम सिर्फ टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करें तो एक अच्छा खासा इसमें अपमूव है। अब थोड़ा सा ओवरहीटिंग के करीब जा रहा है, बट जिस तरीके का वॉल्यूम अपमूव है, आई वोंट बी सरप्राइज कि यहाँ पे 100 का लेवल आपको बहुत जल्दी देखने मिले, और जो स्टॉप लॉस है इसको आप लगा के चले करीब 94 के आसपास। तो ट्रेडिंग के लिहाज से यू नो सांगी इंडस्ट्रीज इज वन स्टॉक जो मेरे रडार पे अभी रहेगा। चीज रडार पर है, लेकिन एक और शेयर कपिल रडार पर आई थिंक रखना चाहिए, वो है संवर्धन मदरसन का शेयर। एक समय था कि बिल्कुल साइडवेज हो गया था, चल ही नहीं रहा था, 70 रुपये के आसपास ये संघर्ष कर रहा था, 100 रुपये का स्तर आज इसने पार किया है, उसके आसपास टिकने की कोशिश है। आपको लगता है कि स्ट्रक्चर कुछ बेहतर हुआ है, फ्रेश एडिशन करने के लिए भी ये शेयर अब ठीक है? जी, जिस हिसाब से स्टॉक का स्ट्रक्चर रहा हुआ है तो पढ़ाओ इस स्टॉक ने काफी अच्छे रेजिस्टेंस लेवल है काफी स्मूथली ब्रीच किए। सबसे पहले एक रेजिस्टेंस 84 का, उसके बाद में जो आज के दिन में जो इसके ब्रेकआउट दिया हुआ है 96 का है, तो काफी इजीली रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो रहे हैं, और ये स्टॉक अभी अपने नेक्स्ट बेस्ट रेजिस्टेंस के लेवल की ओर जा रहा है, जो कि आता है आपका 106 के यहाँ पे, तो 99 का एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है, तो स्टॉक में और भी एक अपसाइड मोमेंटम देखने मिल रही है, और काफी अच्छा भी ऑटो सेक्टर एंसिलरीज में सबसे अच्छे प्राइस परफॉर्मेंस के वाइज वो लीड कर रहा है, तो 106 की इसकी अपसाइड पोटेंशियल हो सकती है। 106 तक के लेवल आप देखते हैं संवर्धना मदरसन, इसे बाय करने की रिकमेंडेशन होगी आज। मेटल पैक में और सारे चाहे स्टील हो चाहे एल्युमिनियम हो, काउंटर्स में अच्छी मूव है। टाटा स्टील अगर चल रहा है तो JSW स्टील भी एक ज्यादा फास्ट पेस से चल रहा है। क्या JSW स्टील पे एक ट्रेड आपको दिखता है यहाँ से, किरण? सो JSW स्टील ये तो ओवरऑल मेटल्स की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली जो रिबाउंड दिख रहा है वो कहीं ना कहीं यूएस बॉन्ड यील्ड्स या तो यूएस डॉलर इंडेक्स की वजह से देखने को मिल रहा है। अब पर्टिकुलरली JSW स्टील की अगर हम बात करें तो प्रीवियस
भी हमने देखा था 77780 के आसपास एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था, कल स्टॉक ने वही एक क्लोजिंग दिया था, आज वो रिबाउंड देखने को मिल रहा है। सो अर्ली साइंस ऑफ रिवर्सल है, लेकिन डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड लेने बनता है। यहाँ पे 790 के आसपास ट्रेड कर रहा है करंट मार्केट प्राइस, या कोई पीडीएफ आए आप लॉन्ग करके जाइए, एक एग्रेसिव स्टॉक लॉस आप 770 का मेंटेन कीजिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है डेफिनेटली 820-830 तक के टारगेट आपको एक दो दिन में देखने को मिल सकते हैं। तो रिवर्सल ट्रेंड मेटल में डेफिनेटली लेने चाहिए, मेटल्स पे आपको रिवर्सल दिख रहा है। और अब देखिए बात करते करते भी JSW स्टील में 2% की मूव देखने को मिल रही है। एट द सेम टाइम डिविस लैब, एक बार थोड़े से डिफेंसिव बेट्स की भी बात कर लेते हैं। इनफैक्ट फार्मा डिविस लैब की कल तो क्या डिफेंसिव बेट्स चल भी रही थी, लेकिन इन स्टॉक्स में वीकनेस के बाजार में वीकनेस थी, लेकिन यहाँ पर फिर भी आपको स्ट्रेंथ के साइन दिख रहे थे। डिवीज लैब अब लगभग 1.25% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, कुछ थोड़ा सा इस साइड पे भी FMCG और डिफेंसिव बेट्स पे भी ट्रेड लेना बेटर होगा, डिवीज लैब पर नजर होगी। बिल्कुल प्रियंका, इनफैक्ट देखिए नॉट ओनली फ्रॉम अ डिफेंसिव पर्सपेक्टिव अगर आप देखें तो यू नो देर आर सर्टन पॉकेट्स इन द मेटल इन द फार्मा स्पेस जहां पे एक अच्छा खासा अट्रैक्शन है, एंड डिवीज डेफिनेटली इज यू नो वन ऑफ देम। राइट नाउ द वर्स्ट सीम्स टू बी ओवर, यू नो 2750 के जो लेवल्स है जहां पे लो बनाया था, दे सीम लाइक अ डिस्टेंट हिस्ट्री राइट नाउ, बट दैट्स जस्ट अ क्वार्टर अवे राइट। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा अप ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, एक डिप था स्टॉक में बट ओवरऑल 20 डे मूविंग एवरेज को भी रिस्पेक्ट करके चल रहा है। अब नियर टर्म में यह है कि 3800 के आसपास यहाँ पे यू नो हल्का सा रेजिस्टेंस है, बट जो ओवरऑल सेटअप और ट्रेंड है उस हिसाब से यू नो ये स्टॉक ग्रेजुअली ही सही बट इस लेवल को क्रॉस करने में सक्सेसफुल हो सकता है इन दिस रैली। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग इनिशिएट करके चलें। यहाँ पे जैसे मैंने बताया 3800 यही आपका पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट जो है ये 3880 के करीब का रहेगा। स्टॉप लॉस मैं थोड़ा सा नीचे प्लेस करूंगा, करीब इसका जो 20 डे मूविंग एवरेज है 3660 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास। तो ऑन दी होल सेटअप अभी भी पॉजिटिव है, डिप में एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, सो डिवीज रिमेन्स अ बाय फॉर मी फ्रॉम हियर। ठीक है, डिवीज को गिरावट पर खरीदारी करना है इसमें शेयर में, और 3880 रुपए के लक्ष्य देख रहे हैं कुछ इस शेयर में। लेकिन बाजार का फंडामेंटल सेटअप कैसा है? ऊपर से निफ्टी करीब 300 अंक नीचे है, क्या एंट्री का मौका है? और चूंकि अब US फेड पर नजर होगी, हालांकि एस्टिमेट्स यही है कि 4.5% के आसपास की 4.5% की दरों में बढ़ोतरी इस बार अब फेड की होगी। बाजार